vascular cambium forms second is xylem and second is phloem. इससे बनता है vascular cambium. Primary xylem and primary phloem. Next question में only phloem से बनता है या only for primary xylem से बनता है. तो आप लोग देखोगे कि secondary xylem तो vascular cambium में include होगा ही सही, क्योंकि vascular cambium के separation जो division से क्या बनता है अंदर vascular cambium के separation secondary xylem, और बाहर की तरफ क्या बनता है secondary phloem. क्या बनता है secondary phloem. तो इसका right answer कौन सा है वन secondary growth. मालूम है बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए. 13 क्वेश्चन है कैस्पियन स्ट्रिप इज फाउंड इन. कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ होती है, एपिडर्मिस में होती है, एंडोडर्मिस में होती है, एंडोथीलियम में होती है. एंडोथीलियम दोनों एग्जांपल में, यहाँ एंडोथीलियम नहीं देता हूँ आपको, एक्सोथीलियम देता हमारे टाइप राइटर ने एंडो एंडो कर दिया दोनों तरफ. कोई बात नहीं, आप तो जानते हो. वैसे भी ये एंडोथीसियम और ये एंडोथीलियम है, ये एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है. राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, मेन चीज पर आते हैं हम तो. राइट आंसर होगा इसका एंडोडर्मिस. ओके बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी इज एक्सप्लोटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, पेटेंट बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन. ठीक है, और एक ऑप्शन दे रखा है आपको, बोथ ऑप्शन बी एंड सी. तो हम लोग जनरली क्या हो रहे हैं कि बायोपायरेसी का यूज कर रहे हैं, पेटेंटिंग बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर्स, और दूसरा यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन. ठीक है, तो बायोपायरेसी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो पेटेंटिंग कर लेते हैं बायो रिसोर्स का, जो दूसरे ने उसको बनाया और खुद खुद उसको पेटेंट करा लेते हैं. सपोज कीजिए मैंने कोई चीज बनाई लेकिन आपने उसको पेटेंट करा लिया, लेकिन चीज मेरी थी, रिसर्च मेरी थी, एक तो ये हो जाता है. और यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, आप मेरी चीज है, मेरे वो ऑथराइज है मेरे लिए, आप उसका यूज कर रहे हो. तो इस तरह से ये दो चीजें हो जाती हैं जो बायोपायरेसी के अंदर आती हैं. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, डी, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट हैं. तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का, डी. नेक्स्ट है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन जीएम. तो हम बता चुके हैं कि जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी जो होती है, क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा ही रिपीटेटिव है, जिसको हम लोग GAESC कहते हैं. तो जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी क्या करती है, बॉडी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग जीएम रिसर्च, जो हम लोगों ने बोला था कि जीएम रिसर्च के लिए एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन जीएम इस क्वेश्चन में, जबकि क्या कहा गया था ये देखिए आप, जीएससी टेक प्लेस इशू था कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए हमने इसको रोंग बतलाया था. तो जो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है कि भाई जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी पर्टिकुलरली क्या कर रही है, जीएम रिसर्च कर रही है सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम. ओके मेस द कोलम स्टेबल में ध्यान रखना, जो प्री रिप्रोडक्टिव हो रिप्रोडक्टिव वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, स्टेबल पॉपुलेशन वहीं देखने को मिलेगी सही. और एक्सपेंडिंग में तो आपको प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, यंग वंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे. मेज द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. तो यहाँ दे रखा है कि ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ब्रीड मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग. और यहाँ बर्ड्स मेमल ओएस्टर पेरियज फिशेज बैम्बू और पैसिफिक सैलमन फिश दी गई हैं, और आपको चूज करना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट मैच है ना, कौन सा करेक्ट मैच है. तो आप लोग देखिए जो ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम वो बैम्बू है, यह हमारे इस चैप्टर में भी है, फर्स्ट चैप्टर में भी है. अब एक के साथ एक और मिल रहा है पैसिफिक सैलमन फिश, ये भी एक के साथ ही आएगी, यानी एक के साथ थ्री आएगा और एक फोर आएगा. अब बी को लेकर चलते हैं हम, बी के साथ क्या कंडीशन है, ब्रीड मेनी टाइम इन देयर लाइफ, बर्ड्स और मेमल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं मेनी टाइम ब्रीड करते हैं. नेक्स्ट है आपके प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, ये होंगी ओएस्टर और पेलेजिक फिश जो होती हैं, है ना. इनमें क्या होता है बेटा, जो होता है लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग जो होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती है इसके थ्रू. और लास्ट ऑप्शन दिया आपको प्रोड्यूस स्मॉल नंबर्स ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो प्रोड्यूस की जाती हैं किसके थ्रू, जो आपको डी में दे रखा है. वन बर्ड्स में
देखो मेनी टाइम्स करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, डी का भी वन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोड्यूस स्मॉल नंबर है लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा ही होता है ना, और बर्ड्स मैमल में ऐसा भी होता है कि ब्रीड्स मेनी टाइम इन देयर लाइफ साइकिल लाइफ टाइम। तो ये बहुत सही मैच आपको देखने को मिल रहा है और डी ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, कौन लाइफ टाइम जो होता है उसमें मेनी ऑफ स्प्रिंग करते हैं, कौन कम ऑफ स्प्रिंग करते हैं लोअर नंबर्स में, कौन लार्ज नंबर में करते हैं, कौन स्मॉल साइज में करते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, डी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फ्लावरिंग। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एंजाइम्स कैन डिग्रेडेड द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द एक्साइन ऑफ ए पोलन ग्रेन्स। स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्किलाई। अब इसको अरेंज करके हमको देखना है कि कौन सी चीज सुटेबल मैच करती है इसके लिए और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि रॉन्ग स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो हमको मैच देखनी है कि कौन कौन से रॉन्ग हैं। एंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, नहीं, एक्सिन होती है, इंटीन नहीं होती, एक्सिन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से होती है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये स्टेटमेंट राइट है और हमको आइडेंटिफाइड करने रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स आर कैन डिग्रेडेड द ऑर्गेनिक मैटर, एंजाइम कैन डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल ऑफ एक्सिन ऑफ पोलन ग्रेन्स, नहीं, ये एंजाइम्स भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्किलाई, ये भी सही है। तो बस्तर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है, और सॉरी फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो रॉन्ग है, और जो ऑप्शन सेकंड है और फोर्थ है वो राइट है। तो हमसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट और जो थर्ड है वो रॉन्ग है, वो हमको मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोविंग कॉलम। कॉलम फर्स्ट में उनको दिए गए साइंटिस्ट के नेम, कॉलम सेकंड में दिए गए उनकी कंसेप्ट कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, और हमसे देखना है कि भाई इसमें जो करेक्ट मैच है वो किस तरह से है। टेलर और जो उनके कलीग्स हैं उन्होंने क्या किया, शेन चेस ने किया क्या, या ग्रिफिथ साइंटिस्ट हैं जेकब मोनार्ड जो ओपेरान मॉडल के साथ आप लोग जानते हो, ज्यादा अटैचमेंट आप लोगों को देखा है उसके है। तो आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, टेलर एंड कलीग्स डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यानी ये इन्होंने बतलाया था, कंफर्म है, आपको भी याद रहना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव नेचर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बतलाया था। हर्शे एंड चेस ने क्या किया, बी ऑप्शन में आप लोग देखिए, लाइक ओपेरान ट्रांसफॉरिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल यही बतलाया, तो बी का 4 आना कंफर्म हो गया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट्स ऑल। सी ऑप्शन में दिया गया है ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग जो होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी सी का 3 कंफर्म है, और डी है जेकब और मोनार्ड क्या बतलाया, लेक ओपेरान दैट्स ऑल। तो आपके सामने 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सही है, 2, 4, 3, 1 आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है, और ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर। एक बार फिर ध्यान रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये टेलर और कलीग्स ने कहा, ये आप भूल जाते हैं, बाकी आपको ये याद रहता है कि हर्शे चेस ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल बतलाया, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और जेकब मोनार्ड जो होता है उन्होंने क्या किया, जेकब और मोनार्ड ने लेक ओपेरान बतलाया। बस भूलने वाली बात यही है कि टेलर एंड कलीग्स रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो ये याद होने के बाद आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, अलग अलग वॉल्यूम्स के सही अमाउंट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस वॉल्यूम के साथ कौन सा अमाउंट आएगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ क्या कंडीशन होती है, ये होता है टीवी की वैल्यू होती है 500 ml, है ना, इसके बिल्कुल टीवी की वैल्यू 500 ml होती है। IRV जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
टू का, एक मिनट रुकिए, आई आर वी वैल्यू जो होती है पर्टिकुलरली उसको अगर हम बात कर रहे हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कंडीशन है इसमें, तो आई आर वी की जो कंडीशन होगी वो 2500 है 300, बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट का सी है वैसे ही टू का ए होगा। थ्री को देखते हैं हम लोग, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से कितना होता है 11000, तो ई आर वी की वैल्यू कितनी होती है बी, ये किसका सही मैच है ध्यान रखिएगा। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इसी तरह से आई आर वी जो अभी जो है वो ज्यादा होता है, वो 2500 से 3000 तक होता है, और जो ई आर वी होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 11000 होती है। नेक्स्ट है फोर, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहता है उस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, और ये होता है 1100 से 1200, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम की अमाउंट होता है, यानी ई मैच कर रहा है। और लास्ट आपके जो फाइव है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम में जो आपको दे रखी है डी ऑप्शन में दे रखी है वो है कितनी 3400 से 4800, यानी इसका सही मैच किस में मिल रहा है आपको, डी में, सी ए बी ई डी, ये ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, और राइट आंसर भी आपका क्या होगा बच्चों, बी होगा, ध्यान रखिएगा। मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विच स्ट्रक्चर, एनल सिली एंड एनल स्टाइल, एनल सिली एंड एनल स्टाइल, एनल सिली देन एनल स्टाइल। एनल स्टाइल के बेस पर ही हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों में इसकी पोजीशन नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स में लास्ट में अलग अलग होती है ना, तो दोनों को इस बेस पे अलग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स एनल स्टाइल का हमको ध्यान रखना है कि भाई मेल कॉकरोच में होती है कहां होती है, नाइन्थ जो स्टर्नम वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एब्डोमन का जो नाइन्थ स्टर्नम वाला पार्ट होता है उस वाले पार्ट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, फीमेल में होती ही नहीं है, है ना, ओनली मेल में प्रेजेंट होती है, दैट्स ऑल, इस बेस पे कर सकते हैं हम दोनों में डिफरेंस। तो यहीं से हम लोगों का ये पार्ट कंप्लीट है। द आई बॉल हैज ए ट्रांसपेरेंट, आई बॉल जो होती है उसका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विद इट इज हेल्ड इन प्लेस ऑफ, आप जानते हैं कि जो आई होती है उस आई में क्या होता है एक लेंस होता है, ठीक है, इसके आगे एक कॉर्निया वाला पार्ट होता है कोरोइड का, तो उसने पूछा है कि जो लेंस वाला पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, कहां हिल्ड होता है, लिगामेंट अटैचमेंट टू आयरिस, है ना, एक तो यहां इसकी पोजिशन है, ये बिल्कुल सही नहीं है, लिगामेंट से जरूर कनेक्शन है इसका, टेंडन अटैच टू द आयरिस नहीं, लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी, ये यहां यहां सिलेरी बॉडी होती है, इसके आसपास ये सिलेरी बॉडी है और लिगामेंट के साथ भी अटैच होता है, तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टेंडन अटैच टू ए सिलेरी बॉडी बिल्कुल नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। मेज द कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, अब यहां दिया है आप लोगों को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूराइन, ठीक है, और यहां वो अलग अलग पार्ट दिए जिनमें ये प्रोसेस होता है, अब आपको मैच करना है किसके साथ है, हेनले लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मेलपिजियन कॉर्पल्स एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। फर्स्ट फंक्शन दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, मेलपिजियन कार्पल्स में होता है हम सब जानते हैं, और मेलपिजियन कार्पल्स जो होता है उसके अंदर जो पोडोसाइट है ये पोडोसाइट वगैरह होती हैं, और ये ग्लोमेरुलर फिल्टर जो होता है ग्लोमेरुलस होता है, तो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है मेलपिजियन कार्पल्स में। अगला आप लोगों को दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन, वो तो हेनले का लूप करता है, ठीक है ना, रिकरेंट थ्योरी चलती है, और हेनले के लूप का पर्टिकुलरली जो काम होता है वो इस तरह से होता है कि बार बार फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, फिर रिकरेंट होती है, फिर करंट मोमेंट होती है, फिर रिकरेंट होती है, ठीक है ना, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन के लिए क्या होता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी आपके जो फर्स्ट है उसका डी है और जो सेकेंड है उसका ए है। थर्ड पे आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ यूराइन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूराइन का काम कौन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूराइन का काम करता है यूरेटर, तो यूरेटर का काम यही होता है कि यूरिन को आगे बढ़ाना है, और फिर वो कहाँ आ जाता है, उससे यूरेथ्रा में आ जाता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है,
स्टोरेज कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लडर्स में होता है. तो फोर्थ का क्या है? सी है. तो इस तरह से आपके राइट आंसर डी ए बी सी हैं. और जो ऑप्शन फर्स्ट ए में मिल रहे हैं आप लोगों को, ए में मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ए. देखो मेन पोन्स और मेडुला वाला पार्टी है. विच ऑफ द फ्लोविंग, पोन्स और जो मेडुला वाला पार्ट है वो रेस्पिरेशन में दोनों ही पार्ट स्पेशल होते हैं. सेरिबेलम जो होता है उसका इतना, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी मैकेनिज्म नहीं है, सेरिबेलम का इतना रोल नहीं है. विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिजर्ट, मतलब जब आप लोग कोई ऑक्यूपेशनल काम करते हो तो क्या होता है उस दौरान जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. और देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डिजीज से रिलेटेड आएंगे, और ये क्वेश्चन जनरली मिलते हैं नीट में. पहले भी ऐसे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिए गए. तो आप इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, 18, 19 और 20. इम्फिसीमा है, अस्थमा है, लंग्स फाइब्रोसिस है, ऑल ऑफ द एबो है. तो कोई कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग लंग्स फाइब्रोसिस हो जाती है. जैसे कोई स्टोन की फैक्ट्री है या कोई गन्ना वल्ला वाला होता है, वो क्या करता है स्टोन को क्रश करता है जिससे उसकी डस्ट निकलती है या गन्ने के थ्रेड निकलते हैं जो हमारे सेटल हो जाते हैं लंग्स में, लंग्स फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. इसमें किसे ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, लीव्स ऑफ कैनाबिस सेटाइवा, फ्लावर ऑफ टटुरा एंड फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलन कोका. सीधी सी बात है, लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम. ठीक है, हम पेपेवर सोमनीफेरम की तो पहले ही बात कर चुके हैं. यहाँ लेटेक्स वाला पार्ट है जो फ्लूड होता है, जस्ट मिल्की फूड, उसकी बात की जा रही है. Which of the flowing is flowing are in in situ conservation method? In situ means आप जानते हो कि किसी भी animals का या plants का उसका जो conservation किया जाता है उसके natural habitat में ही किया जाता है, उसे कोई lab में या किसी outer site पे या location पे transfer नहीं किया जाता. अगर outer site पे किया जाएगा उसके natural habitat से हटाकर तो वो condition हो जाएगी एक situ की. इन सीटू में कौन कौन मैच करते हैं, यह क्वेश्चन नॉर्मल सा है लेकिन बड़ा काम का है. तो आप लोग ध्यान रखना, बायोस्फीयर रिजर्व यस, हॉट स्पॉट इसमें आता है, नेशनल पार्क इसमें आता है, सेग्रेड स्क्रूज इसमें आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में आता है. सभी जो मेथड दे रखे हैं आप लोगों को इन सीटू कंजर्वेशन के ही है. ऐसे भी ध्यान रखना, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. क्लियर. क्वेश्चन 6, Which of the flowing hormone are secreted in large quantity during pregnancy in woman? अब देखते हैं इसमें क्या है. SG, progesterone, steroid and FSH. SG होता है, HPL होता है, progesterone, estrogen and LH. तो ये सभी जो हार्मोन की लिस्ट है इसमें, estradiol वगैरह, SG, HPL नहीं, SG, HPL, progesterone, estrogen and LH. Right answer is बी. ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों. तो अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द विटामिन हूज कंटेंट इंक्रीज फ्लोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज. देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम विटामिन की बात कर रहे हैं जो इस कंटेंट को इंक्रीज कर देगा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. हम जानते हैं मिल्क में जो शुगर होती है वो शुगर क्या होती है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अगर इस दौरान विटामिन बी जो होता है वो B12 जो होता है वो प्रेजेंट है तो वो इस कन्वर्जन को फास्ट कर देगा. तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या है? विटामिन B12. ओके, ध्यान रखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1? इट इज ऑल्सो ओल्ड क्वेश्चन ऑफ जेई का ही एक पुराना क्वेश्चन है हमारा ही. अब इसमें देखो है ना, HCl और NaOH. पहले तो हम ये देख लें कि चारों ऑप्शंस में HCl और NaOH ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है ना, मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो अभी हो सकता है, आगे और क्वेश्चन एक दो मिल जाएंगे हमें, कि सिंस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 100% आयोनाइजेशन होता है तो आप H प्लस के मिलीमोल्स निकालो और OH माइनस के मिलीमोल्स निकालो. ठीक है ना, और एसिड से आ रहा है H प्लस, इसलिए मैंने उसको नाम भी A दिया है, A
एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, OH माइनस बेस से आ रहा है तो B। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है। और मिलीमोल्स ऑफ H प्लस होते हैं M1V1 बेस के M2V2। ठीक है, अब इसमें एक जनरल मैंने तो मोनोवेलेंट के लिए लिखा है, क्योंकि नॉर्मली लगभग 99% क्वेश्चन आयनिक के मोनो के ऊपर ही होते हैं, एसिड भी और बेस भी मोनो ही लिया जाता है। बट कभी H2SO4 आ जाए, ठीक है ना, या बैरियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, तो इतना टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। तब उसमें 2 से मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली, किस में H का कोफिशियन 2 है, जिसमें H का कोफिशियन 2 होगा उसमें 2M1V1 कर देना। अगर किसी बेस में OH का कोफिशियन 3 है तो उसमें 3M2V2 कर देना। ठीक है, बट जनरली 99% तो यही चलेगा। अब A और B आपके पास दो नंबर्स हो जाएंगे। अगर A बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि A बड़ा होने का मतलब हमारे पास H प्लस ज़्यादा है। B बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। दोनों बराबर हुए तो न्यूट्रल, बट अभी हमें pH क्लोज टू 1 बोला है, मतलब सॉल्यूशन को एसिडिक होना कंपलसरी है। तो अब ये थ्योरी तो मुझे बताना जरूरी है, अब केवल रफ आप देखते चलो। ठीक है ना, फर्स्ट में है ना मल्टीपल पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। 100 × 1/5, ये M1 ये V1 कितना हो गया 20, इधर भी 100 × 1/5 20। A और B की वैल्यू सेम है, ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो गया। सेकंड को देखें, 55 × 10 ये हो गया कितना आपका, A की वैल्यू 5.5, 45 × 10 4.5, A बड़ा है ना। इस सेकंड ऑप्शन को चेक करें, A बड़ा है। अब कैसे चेक करें भैया, व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H सॉल्यूशन एसिडिक है तो, है ना, आपके पास B जो मिलीमोल्स थे OH माइनस के, वो A में से B मिलीमोल्स तो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, H प्लस प्लस OH माइनस गेस H2O। हमने फर्स्ट सॉल्यूशन को न्यूट्रल क्यों बोल दिया है, बिकॉज जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस से दोनों ख़त्म। ठीक है, अब अभी अगर A ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास फाइनली H प्लस के मोल्स बचेंगे कितने, मान लीजिए 10 था और ये 5 था B की वैल्यू, तो 5 मोल्स OH माइनस ने H प्लस के भी 5 मोल्स को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। बचे कितने हमारे पास, A माइनस B अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, अगर B बड़ा होता बेटा तो तब आप पहले कंसंट्रेशन निकालते OH माइनस का, और तब वो होता B माइनस A अपॉन V1 प्लस V2, है ना। आई होप जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आ रही होगी। तो एसिड बेस का क्वेश्चन, ये तो मुझे थ्योरी इतनी बतानी पड़ रही है, अदरवाइज अगर हमें याद है तो जस्ट सीधे इस अप्रोच से करो। A की वैल्यू सेकंड ऑप्शन में 5.5, B की वैल्यू 4.5, और V1 प्लस V2 हो गया 100। तो 1/100 मतलब 10^-2, इससे pH 2 हो गया, तो अभी हमारा सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं हुआ। थर्ड पे आ जाएं, A की वैल्यू 10 × 1/10 1, B की वैल्यू 90 × 1/10 9, तो थर्ड तो पक्का बेसिक है, क्रॉस वापस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर फोर्थ ही होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट फोर्थ को भी कर लें कि एग्जैक्ट है ना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें भी H प्लस इसी फॉर्मूले से निकालें, 75 × 1/5, A की वैल्यू हो गई 15, है ना, B की वैल्यू 25 × 1/5 मतलब 5, नीचे टोटल वॉल्यूम 75 + 25 100, 10/100 इज 10^-1, इसलिए pH 1। ठीक है, तो वेरी नाइस क्वेश्चन कि आपको चार ऑप्शंस में चेक करना था, बट सबसे सिंपल टेक्निक यही है, इससे फास्ट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, उसमें मोल्स निकाल के LR को पता करना, ये सब कार्य करने की बजाय अब SASB का कोई भी क्वेश्चन आए बस इस टेक्निक से सॉल्व करिए, आपको हमेशा सही रिजल्ट विथ प्रॉपर स्पीड मिलेंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन आयन टू कोएगुलेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, अभी जो हमने बनाया था हटा दिया मैंने तो, कि एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, अब उसको कोएगुलेट कराना है, मतलब वापस प्रेसिपिटेट में बदलना है, तो किसी आयन की कैपेसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, डेफिनेटली कितना आपने डाला है उसके ऊपर, और चार्ज कितना है, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज 16 है बेटा, अब उसके अंदर मैंने Na+ डाला, Mg+2 डाला, RD शेल्स ने यही समझाया था, Al+3 डाला, ठीक है, मान लो 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है 16 के ऊपर, तो Na+ का एक मोल इसके केवल एक मोल को ही कोएगुलेट कर पाएगा,
एमजी प्लस टू का एक मोल न्यूट्रलाइज करेगा इसके दो मोल को, तो ज्यादा को एगुलेट कर रहा है। एल प्लस थ्री का एक मोल इसके तीन मोल को कोएगुलेट करेगा, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोएगुलेशन वो उतना ज़्यादा करेगा। अब अमाउंट इसका एक मोल हम बोल रहे हैं इसके तीन मोल को, तो अगर इसके दो मोल ले लोगे तो वो सॉल के छः मोल को कोएगुलेट करेगा, प्रोवाइडेड मैं अजम्पशन ले लूँ कि वन यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। इसलिए कैपेसिटी किसी आयन की कोएगुलेट करने की अमाउंट और साइन ऑफ चार्ज दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। 16th क्वेश्चन, द सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इस 2.33 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विल बी ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना है कि BaSO4 बाइनरी सॉल्ट है और बाइनरी सॉल्ट है तो उसका KSP इक्वल्स टू S² होगा, बट S जो होगा है ना वो हमेशा मोल पर लीटर में होना चाहिए बेटा। और राइट नाउ यू कैन सी द यूनिट कि इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर में है, तो इसको आप अगर 233 से डिवाइड करोगे तो ये 1/100 मतलब आपका आंसर 10⁻⁵ मोलर, दैट इज मोल पर लीटर। और बाद में के लिए इसी का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका करेक्ट आंसर विल बी 2×10⁻¹। अब अगली चीज़ देखो ना, उसने वैल्यूज ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए फॉर द गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए वैल्यूज दे दी है। O2, N2, NH3, CH4 आर 1.36, 1.39, 4.17, 2.253 लीटर स्क्वायर, ATM मोल स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, द गैस विच कैन मोस्ट इजीली बी लिक्विफाइड। ठीक है ना, ए जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है बेटा, इसका नाम ही होता है, इट इज़ द वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका नाम ही है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैस को लिक्विफाई करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली है ना ये रूल ही है, आपको याद भी रखना है, उसके पीछे की थ्योरी मैंने समझा दी। ए इज़ द वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस को लिक्विफाई करने के लिए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स को ही बढ़ाना है, तो ऑलरेडी जिनमें एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको लिक्विफाई करना कंपेरेटिवली मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है हायर इज़ द वैल्यू ऑफ ए मोर विल ईजिली विल बी द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आइडियल गैसेस का ए अगर पूछा जाए कितना होता है तो जीरो, इसलिए आइडियल गैस को कभी जिंदगी भर लिक्विफाई नहीं करा जा सकता है। तो इन चारों गैसेस में सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू NH3 की है, इसलिए वो सबसे आसानी से लिक्विफाई भी होगी। आप इसके पीछे इनऑर्गेनिक से रीज़न समझाओ बेटा कि अमोनिया में वैन डर वाल बॉन्ड है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी तीनों गैसेस में O2, N2 और CH4 में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। जो आप इनऑर्गेनिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो ये वही फोर्स है बेटा, इसलिए हम मैं बोल ही रहा हूँ कि रियल लाइफ की कोई भी गैस आइडियल नहीं है, क्योंकि आपने बॉन्डिंग चैप्टर में हर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में पढ़ लिया है कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अब वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल। अमोनिया में H बॉन्ड है, इस वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और उसके लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना। यहाँ पर वैल्यूज से पूछ रहा है तो ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। अगर वो कॉन्सेप्चुअली पूछता कि इन चारों में से किसे लिक्विफाई करना आसान है, तब आपको इनऑर्गेनिक से चारों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ए मेटल M इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी। आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटल जो भी मान लो एम ही लिखूँ, बड़ी आसानी से M+ आयन बनाएगा बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। और ऑक्साइड के लिए इसको दो दो ले लो, ओ इसी दो इलेक्ट्रॉन को लेके O-2 बनाएगा, इसलिए इसके ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा बेटा 2M+O गिव्स 2M+O-2, जिसका लैटिस बनते ही आप इसे M2O लिखोगे। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिख दिया है, तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये M2O ही होगा ना। इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है और मेटल की 1 थी, तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इसकी 2 थी इसकी 1 थी, तो 1 इसका कोएफिशिएंट बनेगा, 2 इसका M2O1, बाकी O1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हम M2O ही बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलें, अ मेटल कैन बी क्रिस्टलाइज इन बोथ
BCC and FCC unit cell whose edge lengths are 2 picometer and 4 picometer respectively, then the ratio of densities of FCC and BCC unit cell. ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, Z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम. कई स्टूडेंट इसको इसी बेसिस पर छोड़ देंगे कि सर हमें तो कुछ भी नहीं गिवन है, कैसे करें. ठीक है ना, कुछ भी नहीं गिवन है, सब कुछ गिवन है बेटा. ढंग से पढ़िए अब क्वेश्चन को. उसने बोला है एक ही मेटल है तो डेफिनेटली ए दोनों के लिए हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो में ए आपका कैंसिल, जो नहीं गिवन है उसकी कहानी खत्म. एन ए तो कांस्टेंट है, उसकी भी कहानी खत्म. अब बचा जेड और वी. अगर एक ही मेटल है तो डेफिनेटली उसके एटम की रेडियस फिक्स होगी एंड दैट विल बी कैपिटल आर. तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ किस किस का रेशियो चाहिए, एफ सी सी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी सी सी, तो हम लोग क्या करें, ठीक है, ऊपर जेड ऑफ एफ सी सी, नीचे वॉल्यूम ऑफ एफ सी सी मल्टीप्लाइड बाय बी सी सी का वॉल्यूम ऊपर, डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल से वो ऊपर गया और जेड ऑफ बी सी सी नीचे. है ना, हम लोग इमीजिएटली कर सकते हैं क्वेश्चन, बट मुझे तो बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हुए समझाना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम टाइम. आप लोग इसे ओरली भी कर सकते हैं, अब तक हमने इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है कि आपको पता ही होगा ये चीज़ें. तो ऊपर फोर, ठीक है, ये आपका टू. अब वॉल्यूम की बात करें बी सी सी की, ठीक है ना, तो बी सी सी का एज लेंथ था कितना हमारे पास, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एटम्स का नहीं है ना, यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो. तो फॉर बी सी सी एज लेंथ ए थी हमारा 4R बाय रूट 3, दैट्स वाई इट विल बी 64R क्यूब अपॉन 3√3. इसी तरह से अगर एफ सी सी की बात करोगे तो ए विल बी इक्वल्स टू आपका 2√2R था, है ना, सॉरी ये तो वॉल्यूम है, इसलिए आपका इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा इट विल बी 16√2R³. तो इट इज़ अवर इसका वॉल्यूम, ठीक है. बट उसने अच्छा, बाय मिस्टेक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसने एज लेंथ तो हमें डायरेक्टली दे दी है ना. थोड़ा सा मैं गलत डायरेक्शन में चले गया, मुझे लगा एज लेंथ भी नहीं गिवन है ना. तो एज लेंथ गिवन है तब तो कहानी खत्म है. 2 का क्यूब, बी सी सी की एज लेंथ कितनी बोली उसने, 2 का क्यूब 8. यूनिट्स वगैरह के कन्वर्जन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, है ना. और 4 का क्यूब कितना आपका, 64. तो ये आपका 4 8 32, 2 और 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, माई आंसर विल बी 1. बट मैं जो कर रहा था वो एक और अच्छा क्वेश्चन, चलिए बनी गया अपने आप, कि अगर वो एज लेंथ भी नहीं देता और तब पूछता रेडियस, तो तब आपसे रेशियो पूछता, तो आप तब भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बिकॉज मेटल सेम थी. तो अभी जो हमने निकाला था, मैंने जो अभी हटाया है, तब हमारा आंसर बस थोड़ा सा अलग होता, ठीक है ना. तब हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को बी सी सी के लिखते 64 अपॉन 3√3R³ और इसको लिखते 16√2R³. R³ कैंसिल, तो ये देखिए अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया. 16 2 जा 32, ये 2 हो जाता, तब आपका आंसर हो जाता 8/3√6, ठीक है. अब उसको वो किसी भी फॉर्मेट में अरेंज करके दे सकता था. राइट नाउ आंसर इज 1/4, बट साथ ही साथ हमने एक मॉडिफिकेशन भी कर दिया है क्वेश्चन में, और मॉडिफिकेशन के बाद आंसर अगर पूछा जाता तो ये होता, या इसको और किसी तरह से लिखना चाहता तो आप इसे 4/3 इंटू √2/3 भी लिख सकते थे, लाइक दिस, है ना. मैंने 4 अलग करा, √2 जो अलग हुआ है नीचे से √2 हटा दिया, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक. बॉन्ड ऑर्डर इन O2, N2 एंड CO रेस्पेक्टिवली, है ना. MOT शायद ही कोई साल ऐसा गया हो जिसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है. और इनके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट रूल्स बता दिए हैं, ठीक. क्या 14 इलेक्ट्रॉन तक, 8 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक, सॉरी 8 से बड़ा मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, उनका केस, और 14 से बड़ा मतलब 15 से लेकर 20, इन दोनों के दो केस बना लीजिए और सीधे सीधे याद रखिए. अगर 8 टू 14 है बेटा तो एंटी बॉन्डिंग में 4 होंगे, रिमेनिंग आपके बॉन्डिंग में. 15 से 20 में आपका बॉन्डिंग में 10 होंगे, रिमेनिंग सभी आपके एंटी बॉन्डिंग. बस ये दो रूल आपको सिंपल से याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन है MOT का इससे ध्यान हो जाएगा. दूसरा छोटा सा रूल जरूर ध्यान रखना, क्या कि B2 और O2 इवन होते हुए भी ऑड वाला तो हमेशा आपका पैरामैग्नेटिक होगा,
और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगी। इवन वालों में बॉन्ड ऑर्डर तो हमेशा ही आपका इवन ही होगा, मतलब इंटीजर होगा, बट फ्रैक्शनल हो सकते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल 10 और 16 वाले, B2 10 और 16, ये आपका इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इससे आपके MOT के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो आप O2 में अगर आप बात करोगे बेटा, है ना, और O2 में तो निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो VBT से O2 की स्ट्रक्चर आपको पता है, वो डबल बॉन्ड हो, वही MOT से भी है। द ओनली डिफरेंस कि VBT के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट MOT के अकॉर्डिंग इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने की गड़बड़ ना करें, बार बार याद होना चाहिए। बट तब भी बेटा अगर कोई भूल जाता है, इस फॉर्मूले से चलो, है ना, इस फॉर्मूले से चलो। जैसे आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्डिंग में 10 होंगे, रिमेनिंग हो गए 6 एंटी बॉन्डिंग में। और व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर? हाफ ऑफ NB माइनस NA, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 6, दैट इज 4/2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। NO में है कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 15, 7 नाइट्रोजन के पास, 8 ऑक्सीजन के पास, तब भी यही लगेगा। बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में 5, तो 10 माइनस 5 मतलब 5/2, दैट इज ऑप्शन 2 में दोनों मैच हो रहे हैं ना, बी में भी मैच हो रहे हैं। तो तीसरे को भी चेक करें बेटा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सी के पास आपका 6 और ओ के पास 8, 14 है, तो ये वाला केस लगेगा। एंटी बॉन्डिंग में 4, बॉन्डिंग में 10, 10 माइनस 4 इज 6/2, दैट इज 3, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि O2 और CO का तो सबको याद होता ही होगा, क्योंकि सिंपल सी स्ट्रक्चर है। और अगर आपको याद था तो फिर टाइम खोटी ना करें, फिर सीधे आंसर सी। तो मैं पहले दूसरे पेपर में तो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बेटा, फिर मैं जल्दी वाली टेक्निक बताऊँगा आपको, है ना। टेक्निक्स यहाँ पे भी बता रहा हूँ, बट यहाँ मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट दो तीन पेपर से थ्योरी भी और थोड़ी सी क्लियर होती। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN माइनस, CO और NO प्लस, सब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, है ना, C के पास 6, N के पास 7, 13 माइनस आने से एक और ऐड हुआ 14, CO 8 प्लस 6 14, NO प्लस 7 प्लस 8 15, एक गया तो 14। अगर तीनों 14 इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए, और 14 वालों का बॉन्ड ऑर्डर सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए N2, है ना, VBT से याद होना चाहिए बेटा। N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वही MOT में भी होता है। डायग्राम वाइग्राम बना के टाइम खोटी ना करें, तो हम लोग सीधे बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 और आइसो इलेक्ट्रॉनिक A विल बी द आंसर। अब देखो आ गया थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन फिर से, स्टेटमेंट को चेक करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी पॉलीहैलाइड्स बिकॉज इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। बिल्कुल सही है बेटा, पॉलीहैलाइड्स केवल फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाता है, इनफैक्ट ठीक है ना, सल्फर भी बनाता है, मतलब पॉलीहैलाइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो सब में आपका रीजन है कि सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल थे, वो अपने ऑर्बिटल एक्सपांड कर सकते हैं। पॉलीहैलाइड का मतलब बेटा फ्लोरीन सेंट्रल एटम हो जाए और उसके आसपास खूब सारे दूसरे हैलोजन आ जाए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता है, फ्लोरीन हमेशा कोने पर रहेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रू। इन CLF3 द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजिशन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर 3 उसने बॉन्ड बना लिए हैं तो उसके बाद बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर होंगे, यहीं पर उसने गड़बड़ कर दिया है ना। तो आप में से कई ने, ठीक है ना, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने 3 ही लोन पेयर ले लिए होंगे। इसके पास केवल 2 लोन पेयर हैं और CLF3 की टी शेप होती है, दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजिशन पर, एक F और 2 F ऊपर नीचे, जिससे टी शेप बनती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड को देखें बेटा, इन B2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स मिक्सिंग ऑफ S एंड P एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ठीक है। 3 स्टेटमेंट पूरा बॉन्डिंग आपका चेक करा रहा बेटा, एक MOT का डाल दिया, एक जनरल डाल दिया, एक जनरल डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन से पहले SP मिक्सिंग होती है, इसी वजह से σ2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जबकि 14 के बाद SP मिक्सिंग नहीं होती है। इस वजह से पहले σ2pz होता है, बाद में π2px और π2py, ये मैं बता चुका हूँ। तो थर्ड भी ट्रू, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा, S1 एंड S3 आर करेक्ट, मतलब हमारा आंसर होगा 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई
इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में करेक्ट ऑर्डर रेडियाई का क्या है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका बेटा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इसका जो न्यूमोनिक्स याद रखने का बोला था, बैंगन आलू गाजर इन थैला। डाउन द ग्रुप जाने पर ना साइज बढ़ती है, ये हमें पता है, बट साइज के एक्सेप्शंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन आपको बताया था, किसी पीरियड में अगर आप साइज का ऑर्डर लोगे तो ध्यान देना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है, बट लास्ट मेंबर जो इनर्ट गैस होगी उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन बेटा बोरॉन फैमिली था, तीसरा एक्सेप्शन 3D सीरीज था, ठीक है ना। चौथा एक्सेप्शन आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन था कि 4D और 5D की साइज सेम होती है, ठीक है। 3D सीरीज में क्या एक्सेप्शन था, कुछ जगह तक साइज बढ़ती है, शुरू में कुछ तक डिक्रीज होगी, बीच में कुछ एलिमेंट्स की सेम, फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन क्या था कि आपका 3D 4D 5D अगर आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हो तो कायदे से नीचे जाने पर साइज बढ़नी चाहिए, बट 4D और 5D की साइज सेम होती है, ठीक है। इसमें क्या एक्सेप्शन था बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है आपका 5, इसका 13, इसका 31, तो इससे पहले आती है पूरी 3D सीरीज, इस 21 स्कैंडियम से चालू होके जिंक 30, और मैंने काफ़ी स्ट्रेसफुली इसको समझाया है क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेप्शन वाली चीज़ें वो सबसे ज़्यादा पूछता है। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी समझा चुका हूँ, बता रहा हूँ, बोरॉन कार्बन फैमिली में भी बताया है और खूब स्ट्रेस देके समझाया था कि इसे आपको याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा कि एक्चुअली नीचे जाने पर साइज बढ़नी चाहिए, बट गैलियम में जो जिंक के जस्ट बात आ रहा है डी सीरीज के बाद, जैसे बोला जाता है ना बेटा गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कई बार आप जैसे कोई भी दाल चावल कुछ भी बना रहे हो घर में तो छोटे मोटे कंकर जो आपको नहीं दिखाई दिए हैं, कचरा, चावल तो चलो हम खूब धो देते थे बेटा, तो लाइटर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना मेटलर्जी में जो करते हो ना हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा तो रियल लाइफ से घर में भी समझ सकते हैं। अगर आप चावल धोते हो तो उसमें से खूब सारा गंदा पानी, वो गंदा पानी क्या है बेटा, क्ले डस्ट पार्टिकल ही है जो वाटर राइस पार्टिकल के साथ चिपके हुए थे, वो धुलने से बाहर निकल आते, ठीक है ना। तो ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ कि गेहूं के साथ जैसे घुन भी पिस जाती है, डी ऑर्बिटल्स का भी शील्डिंग इफेक्ट, डी इलेक्ट्रॉन्स का भी शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है, तो यहाँ पर शील्डिंग काफ़ी कम थी और एकदम से जब डी के बाहर आप जाते हो तो गैलियम को बेचारे को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता है, वो उस डी ऑर्बिटल के कॉन्ट्रेक्शन में लपेटे में आ जाता है। ये मेरा एक्सप्लेन करने का, आपको याद रखवाने का तरीका है बेटा, है ना, ठीक है ना। अदरवाइज तो मैं सीधे सीधे बोल सकता था, याद ही रखना है। इस वजह से जो करेक्ट ऑर्डर होता है बोरॉन के बाद सीधे गैलियम, है ना। हालांकि कई बुक्स में ये भी मेंशन है कि एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज़ नियर अबाउट सेम है, बट हम मानने के लिए गैलियम को छोटा मानते हैं, ठीक है ना। बोरॉन लेस देन गैल्यूमिनियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका इंडियम और फिर आपका थैलियम, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट जो इस बेसिस पर होना चाहिए, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है ना इंडियम होना चाहिए और फिर आपका थैलियम होना चाहिए। फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से फोर्थ हमारा आंसर होगा। और ये भी एक्सेप्शन के तौर पर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको याद होना कंपलसरी है ना। यहाँ पर थोड़ा बस मिसप्रिंट हो गया, वो LM आ गया है, उसे IN कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैलाइड बिहेव्स एज लुईस एसिड, करेक्ट, ठीक है। पहला करेक्ट हो गया है और ऑल ऑफ दिस भी है, ये तुरंत ध्यान दें। एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6-3 आयंस बट बोरॉन डज नॉट फॉर्म PF6-3 आयन। तो बेटा बार बार तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बोलूँगा तो सही, स्ट्रक्चर नहीं बनाऊँगा, कि बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी केवल 4 हो सकती है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है तो ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। द पी पाई बैक बॉन्डिंग अकर्स इन द हैलाइड ऑफ बोरॉन एंड नॉट इन दोस ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि है ना पी पाई बैक बॉन्डिंग का रूल होता है बेटा कि कोई डोनर एटम या एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना, कोई एक तो सेकेंड पीरियड का हो तो ही आप इफेक्टिव मानोगे। अब आप बोलो सर AlF3 हो जाए तो आप याद करें, बार बार बोला है AlF3 आयनिक कंपाउंड है, वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है ही नहीं। उसके बाद अगला AlCl3 है, तो 3P की ओवरलैपिंग को आप कभी भी उतना इफेक्टिव मानने वाले नहीं हो,
एक तो सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए, चाहे वो एक्सेप्टर हो जाए चाहे वो डोनर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को भी करेक्ट बोलेंगे और फोर्थ तो आपका ऑल ऑफ दिस होने से सब सही हो गया, है ना। तो नीट और जेई मेंस में बस यही फर्क है बेटा, नहीं नीट जेई मेंस एक पैटर्न पे चल रहे हैं और जेई एडवांस में यही फर्क है। जेई एडवांस वाला चौथा भी कोई स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है ना, चौथा भी कोई स्टेटमेंट दे देगा, मल्टीपल करेक्ट बना देगा। नीट और जेई मेंस में कभी मल्टीपल करेक्ट आ ही नहीं सकते, ठीक है। सब छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चन है बेटा, पूरा ब्लॉक रिवाइज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ ही लिया उसने, एलिंगम डायग्राम, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर के डायग्राम होते थे, क्या रूल होता था इन जनरल। ये एलिंगम डायग्राम का मीनिंग क्या था बेटा, दिस आर द डायग्राम ऑफ फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस टेम्परेचर फॉर पर मोल ऑफ, अगर मैं ऑक्साइड की बात करूँ, फॉर पर मोल ऑफ कॉमन रिएक्टेंट दैट इज ऑक्सीजन बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन। ऑक्सीजन का एक मोल आपने फिक्स कर दिया था, ठीक है, और ये ग्राफ हमें बस इतना आइडिया देते थे बेटा, ठीक है ना, कि इनका स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नॉर्मली जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसका आपका जो स्लोप था वो पॉजिटिव आ रहा था। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो हमने रिएक्शंस लिखी थी उनका डेल्टा एस नेगेटिव था इसलिए स्लोप पॉजिटिव हो गया। जहाँ पर स्लोप चेंज होता है बेटा दैट मीन वो आपकी मेटल का, ठीक है ना, या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उससे है ना स्लोप बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा एस है, ठीक है। और अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो डेल्टा एस की वैल्यू में कुछ फ़र्क आएगा, इस वजह से स्लोप चेंज होगा। और दूसरा इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ऊपर वाला जो ऑक्साइड है वो नीचे वाली मेटल से रिड्यूस हो सकता है, बट नीचे वाला ऑक्साइड ऊपर वाली मेटल से रिड्यूस नहीं हो सकता है। जैसे ऊपर वाला ये कर्व है, ऊपर वाला बेटा है ना, तो इसका जो ऑक्साइड मतलब Al2O3, ये नीचे वाली मेटल कौन सी, Mg, इससे रिड्यूस हो सकता है अपने क्रॉसिंग टेम्परेचर से पहले तक। एक बार क्रॉसिंग टेम्परेचर आ गया जहाँ ग्राफ कट कर रहे हैं, उसके बाद MgO ऊपर चले गए, तो ऊपर MgO है नीचे AlF, ठीक है। तो 1623 केल्विन से पहले Al2O3 रिड्यूस होगा Mg से, और उसके बाद MgO रिड्यूस होगा Al से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बेटा, बस इतनी सी रीडिंग है एलिंगम डायग्राम, क्योंकि इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि एलिंगम डायग्राम में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ना, उसे क्लियर ही नहीं होता होता क्या है। और मैंने काफ़ी सिंपल वे में एक पूरा सेशन 40 से 50 मिनट का मैंने एलिंगम डायग्राम आपको समझाया था। बिलो 1623 केल्विन Mg रिड्यूसेस Al2O3, बिल्कुल सही है बेटा। इस टेम्परेचर जहाँ पे कट हो रहा है इससे पहले Al2O3 ऊपर है और नीचे वाली मेटल है Mg। अबाव 1623 केल्विन अगर इसके बाहर चले गए तो अब ऊपर हो गया Mg, ओह तो Mg रिड्यूसेस Al2O3, ठीक है। मुझे लग रहा है बेटा कि कुछ मिसप्रिंट हो गई है, अगर मैं मिसप्रिंट नहीं मानूं तो आंसर करेक्ट है 1, ठीक है ना। और मुझे लग रहा कुछ मिसप्रिंट है आंसर, उन्होंने है ना, मुझे नहीं पता है, आप चेक करना, क्योंकि आंसर्स दिए हैं मैंने DPPs के आपको 3 दिया होगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, है ना, क्योंकि ये लाइन सेम छप गई है जबकि छपना होना चाहिए था अबव 1623 केल्विन Al रिड्यूसेस MgO। तो अगर तो आंसर 3 है आपकी DPP में तो फिर आप इसका स्टेटमेंट करेक्ट करना, क्योंकि अभी दोनों स्टेटमेंट सही आ गए, और नहीं है तो फिर आंसर केवल 1 होगा। कॉन्सेप्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ये मिसप्रिंट जरूर एक हो गई है यहाँ पर, उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम का बस इतना सा आइडिया जरूर क्लियर रखें आप। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, JEE 2000 मेंस 13 का क्वेश्चन है ना, बिकॉज आई टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चन वो रिपीट करता है। अब इस क्वेश्चन में है ना मेरी एडवाइस है, जिस ऑर्डर में लिखा हो बेटा है ना, क्योंकि अदरवाइज ना XYZ अगर आपने सही नहीं करा तो वहीं से आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो XYZ जो है वो रेस्पेक्टिवली पर मैग्नेट, ऑक्सीलेट और एचप्रेस के कोफिशेंट है, इसी ऑर्डर में लिखे, ठीक है। RHS के तो खैर उसने पूछे ही नहीं है, मतलब एक्स के टर्म्स में पूछे हैं और वो सही भी है, अगर ये x होगा तो ये ऑटोमेटिकली x होगा, ये अगर y हुआ तो ये 2y होगा क्योंकि 2 है कोफिशिएंट, और अगर हाइड्रोजन z हुए तो ऑटोमेटिकली H2O z/2 होगा। अब इसका सबसे सिंपल टेक्निक मैं बता चुका हूँ कि 7 कंपाउंड्स के आपको n फैक्टर याद होना कंपलसरी है, k
KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3. KMnO4 का कोड याद करवाया था, बैन 153, ठीक है. ऑक्सलेट का इन्फेक्टर हमेशा 2, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इन्फेक्टर 6, KI का इन्फेक्टर 1, हाइपो का I2 के साथ रिएक्शन में 1, फेरिक का भी 1, फेरस का भी 1, क्योंकि रिवर्स होगा, अगर फेरिक है तो फेरस में बदलेगा, फेरस होगा तो फेरिक में बदलेगा, ठीक है ना. H2O2 का चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे चाहे रिड्यूसिंग, हमेशा 2, है ना. तो आप एसिडिक मीडियम है, ये आ गया सीधे 5, 2, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से. बट याद हो तो ज़्यादा काम आसान होगा, और केवल 7 कंपाउंड से याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बेटा ना, जिनसे आपका काम डेफिनेटली काफ़ी आसान होगा. अब एक बार आपने एन फैक्टर निकाल लिया है, उसके बाद अगली स्टेप सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है. ये 2, ये 5, तो एक्स वाई 2 और 5 आ गए. अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली 1 है, ख़त्म होगी कहानी. तो अब ये क्वेश्चन जो काफ़ी बढ़िया था, ये हमने विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर लिया. तो इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल सीखते हुए चलना है, ठीक है. अब ठीक है, अभी तो हम पूरा कर लें. ये 2 होते ही ये हो गया 2, ये 5 होते ही 5 2 जा ये हो गया 10, ठीक है. अब केवल हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, 2 4 जा 8 और इधर 5 4 जा 20 28. डू नॉट कन्फ्यूज विद H+ एंड H2O, ये आखिरी में अपने आप आएंगे. 28 इधर 20, ठीक है. एसिडिक मीडियम में रूल होता है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है, जितने कम है उतने वाटर डालो, तो इस तरफ 8 कम है तो ये 8H2, है ना. स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सर 1H2O तो पहले से रखा हुआ है, ये H2O, H+ और OH-, पूरी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए तीनों स्पेक्टेटर्स होते हैं. स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या है? दर्शक. टेनिस का मैच देखा होगा ना आपने, इधर इधर बस ऐसे देखते रहते कब गिरेगी बॉल, किसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है. वही है ये भी, आपके ये तीनों रिएक्शंस को देखते रहते हैं कि LHS में जाना है कि RHS में जाना है. जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आएंगे. तो इनको हमेशा आखिरी में, ठीक है ना, यहाँ पर H2O और H+ दे दिया है, तो ये तो एक लग्जरी है कि उसने आपको हिंट दे दी है कि H2O विल अपीयर इन द राइट हैंड साइड और H+ विल अपीयर इन द लेफ्ट हैंड साइड. अदरवाइज वो नहीं भी देता तो आपको करना पड़ता, जितने वाटर डाले उसके डबल H+ डाल दो. तो हमने 16 यहाँ पर H+ डाल दिए, ठीक है. अब अभी हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा. फुल रिएक्शंस में चार्ज H+ से बैलेंस होता है, बट उसका भी रूल है अवॉइड करने का कि अगर गिवन कंपाउंड्स जो मेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये तो स्पेक्टेटर्स है, मैं गिवन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड्स हों आयंस हों, उनमें हाइड्रोजन नहीं है तो डेफिनेटली आपका चार्ज बैलेंस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन केवल इसकी वजह से आ रहा है, ये बैलेंस है. चार्ज अगर डिसबैलेंस होगा बेटा तो कहीं किसी एक तरफ H+ डालना पड़ेगा, और H+ डालोगे तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा. तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये भी देख सकते हो, -2 5 2 जा -10, ये -2 ये -10 ये +16, तो नेट चार्ज हो गया +4, यहाँ पर 2 2 जा +4, इन दोनों के ऊपर 0 है, ठीक है ना. तो मैं भले पूरा सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, बट मेज़र काम है पहला कि आपका स्ट्राइकिंग पावर, आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, और वो जितनी प्रॉब्लम्स आप मेरी सुनोगे उतना आपका डेवलप होगा, ठीक है ना. क्योंकि थ्योरी पढ़ने से तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट ज़्यादा अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से पता पड़ती है. 66 क्वेश्चन को देखें, है ना, कुछ एम्बिग्यूटी तो है क्वेश्चन में, बट अब देखो आगे के क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे. क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3 +21.9. अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस लिखा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बार बार बोला गया डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर होना ही चाहिए, डेल NG भी नेगेटिव है तो हाई प्रेशर होना चाहिए, और कैटालिस्ट डालने से तो अच्छा ही होगा. तो पूरा पूरा ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच हो रहा है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड कैटालिस्ट. फोर्थ क्वेश्चन, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ. दोनों म्यूचुअली क्वेश्चन उल्टे हैं, उसमें टाइम पूछा, अब बोल रहा है कंसंट्रेशन को डबल करा, टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, मतलब टी हाफ और ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे रिएक्शन की ऑर्डर सीधे सीधे 0 होगी. सो आवर आंसर विल बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें,
इफ डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्स द टी हाफ ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो. जो गोल्डन फार्मूले आपसे रिक्वेस्ट करी थी याद रखने के लिए, अगर वो याद है तो जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फार्मूला ए नॉट बाय टू के. तो अगर इसे डबल कर रहे हो और ये डबल हो रहा है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन आपके जीरो ऑर्डर की ही हो सकती है. इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल्ड. बिल्कुल सही, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का फार्मूला ए नॉट बाय टू के होता है. अब कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन. ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना, क्योंकि रेट हमेशा किसके बराबर होती है आपकी के बराबर. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, और दूसरा वाला आपका ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इसका आंसर जो देंगे वो बॉम्बे देंगे. 19th क्वेश्चन, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2, X2 एंड HX आर इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. इफ एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ HX इज -50 तो H2 की बॉन्ड एंथैल्पी ना. अब इसमें केयरफुल रहना कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ना रिएक्शन जो लिख देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX की, वो ये जो गलत है बेटा, ना विच इज़ रॉन्ग. वाई? क्योंकि UPSC ने फिक्स कर दिया है कि हमेशा एक मोल को ही बनाना है. इनफैक्ट यू कैन सी द यूनिट ऑल्सो. इस क्वेश्चन में बस यहीं गड़बड़ होती है, और उस गड़बड़ से अगर आप बच गए देन इट्स दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. इसका डेल्टा एच है -50, ठीक है, और आपका रहा ब्रैकेट में क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला था बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. बट गैस में होना ज़रूरी है, अगर कहीं पर आपका सॉलिड या लिक्विड हो तो फेस चेंज भी होगी, और जिस तरफ फेस चेंज होगा वो वहीं पर शामिल करना है. तो हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, है ना. मैं H2, X2 और HX का रेशियो लिख रहा हूँ 2:1:2, मतलब इसका 2K, है ना, 2K मान लिया, प्लस हाफ ऑफ X2, X2 का हो गया K, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट साइड में आया बेटा, प्रोडक्ट साइड में HX है दैट इज 2K, ठीक है. तो यहाँ से पहले बस आपका ये हो गया K/2 प्लस K, 3K/2 माइनस 2K, मतलब -K/2 इक्वल्स टू -50. तो आपके K की वैल्यू हो गई 50 × 2 इज 100 ना. अब K 100 है, बी केयरफुल, बट आपसे उसने H2 की पूछी है, एक आंसर फिर से 100 दिया हुआ है. वो हर जगह चाहेगा बेटा कि आप गड़बड़ करो, और मैं चाहूँगा कि आप हर गड़बड़ से बच के सही आंसर निकालें, ठीक है. तो K आपका 100 हो रहा है, आपसे H2 की पूछी है, मतलब यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ 2K, और 2K का आंसर हो जाएगा आपका 200, मतलब हमारे लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 200. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ XY, X2 एंड Y2 ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इन रेशियो ऑफ 1:1:0.5 एंड डेल्टा HF फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, ठीक है. JEE मेंस का पुराना, मतलब इनफैक्ट जब सॉरी JEE मेंस कह रहा हूँ, AI EEE होती थी उसका पुराना क्वेश्चन है बेटा. इनकी बॉन्ड एनर्जीज का ऑल डायटोमिक बोल दिया रेशियो है 1:1:0.5. तो अगर मैं इसे K मानता हूँ तो ये भी K, ये 0.5 को मैं हाफ लिख देता हूँ तो ये K/2. अब फॉर्मेशन ऑफ XY है तो सिंपल सा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा काम करना है, और ऑफलाइन में आज भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछता रहता है. तो हाफ X2 प्लस हाफ Y2 गिव्स आपका XY, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई, ठीक है. इसका डेल्टा H हमें दिया गया है -200, और अब हम लोग बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएं. बॉन्ड एनर्जी में पहले रिएक्टेंट्स आएंगे, तो हाफ मोल ऑफ X2 दैट इज K/2, X2 की आपने K मानी है उसका हाफ मोल ऑफ Y2, Y2 की K/2 है उसका, और हाफ करोगे तो K/4 माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और वो आपने K मानी है तो ये K, तो K/2 प्लस K/4 इज 3K/4, उसमें से माइनस K गया तो इट इज़ माइनस ऑफ K/4, माइनस को कैंसिल करो, आपके K की वैल्यू हो गई 800, ठीक है ना. अब पूछे किसकी है X2 की, तो आपका आंसर भी 800 हो जाएगा.
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो टू द लिस्ट, है ना। पांच अलग अलग कंपाउंड है और पीछे ऑप्शन है ना, आपके एग्जाम में तो एक साथ होगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग का, अब कितना जल्दी करना पड़ेगा क्वेश्चन आप खुद इमेजिन करो ना। Fe Cn6-4, ठीक है, दूसरे वाले में मिसप्रिंट है, ये -3 होना चाहिए ना, यहाँ करेक्शन कर लेना। Fe Cn6-4 मतलब Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है, Fe+2 में है, Fe छठा एलिमेंट है। आपको पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि मैंने बोला ही था मैग्नेटिक मोमेंट का तो क्वेश्चन आना ही आए, स्टार टीवी करोर में फेको निकुजान, ये छठे नंबर का एलिमेंट है, तो 3d6 4s2, ठीक है ना। और ये आपका Fe+2 में है बेटा, तो Fe+2 के लिए आपको 3d6 करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 6 है, पैरिंग भी कर देगा, तो पैरिंग करते ही इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0, ताकि ये 2d ऑर्बिटल खाली करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो फर्स्ट ए का आंसर होना चाहिए 3। देख लें अगर एग्जाम में बैठे हैं, ए का आंसर 3, आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले एग्जाम वाली अप्रोच सुन लो, बस ख़त्म। क्योंकि अगर आप 5 का चेक करने गए, जितनी फास्ट मैं सोच रहा हूँ आप उतनी फास्ट सोच भी नहीं पाओगे, और पूरे एक एक को चेक करने गए तो लंका लगने वाली सीधी सीधी कहानी है। हाँ, आप ज़रूर कर लें। अगला जैसे है ना, वो -3 मैंने बोल ही दिया है, तो वो Fe+3 है बेटा। Fe+3 होते ही 3d5 हो जाएगा, ठीक है। 3d5 का मतलब साइनाइड स्ट्रांग है, पैरिंग तो वो करवाएगा ही करवाएगा, बट पैरिंग के बावजूद भी एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बच गया। एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बचते ही 1.73 मतलब बी का 1, देख लो ऑप्शन बी में मैच हो ही रहा हो, ठीक है ना। Cr H2O6+3, H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, Cr+3 में, और Cr+3 क्रोमियम चौथे नंबर का एलिमेंट है, और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 3d5 4s1, +3 में एक इलेक्ट्रॉन s से गया, 2d से गए तो 3d3, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका √(n)(n+2) से 5 होगा, तो c वाले का 5, वो भी मैच हो रहा है बेटा। Ni H2O6+2, H2O न्यूट्रल, Nc+2, निकिल 8वें नंबर का है, 2s के गए, 8वें नंबर का है तो 3d8, और 3d8 मतलब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो √(n)(n)(n+2) से उसका रूट ऑफ कितना 8 हुआ, तो d का आंसर हो गया 4 आपका। लास्ट e का 2 हो गई होगा, क्यों, Fe+3 में है, बट फ्लोराइड इज़ ए वीक फील्ड लिगेंड, ये पैरिंग नहीं करने देगा बेटा, पैरिंग नहीं करने देगा, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और √(n)(n+2) से √35 हो गया, और √35 मतलब 5.93, सो ऑप्शन विल बी 2, ठीक है, ये हो गया आपका। बट एग्जाम अप्रोच में पहला ही मिलते ही इस तरह के क्वेश्चन लेंदी आ जाए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। मुझे तो प्रैक्टिस के लिए कि जल्दी कैसे करोगे आप, ठीक है, मान लीजिए 2 ऑप्शन में 3 होता तो जल्दी कैसे करते, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको ना कि इस तरीके से 3D सीरीज स्टार टीवी करोर में फेको निकुजान याद होना चाहिए। जिस नंबर का एलिमेंट है बस उतना आपका डी में डालो, बाकी मतलब 2s में डाल के बाकी डी में डाल दो, है ना, डी में उतने ही आ जाएंगे। कॉपर क्रोमियम में एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है, और 95% क्वेश्चंस आपको ट्रांजिशन कंपाउंड्स के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 3D सीरीज पर ही आएंगे। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, मैच लिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयंस विथ लिस्ट 2, और फिर करेक्ट कोड से सिलेक्ट करो, है ना। ये भी टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको एक एक को चेक करना है ना। Cr F6-4 मतलब क्रोमियम 6 फ्लोराइड -6, नेट चार्ज है -4, तो Cr+2 वाला है। Cr+2 का मतलब 3d4, क्या पैरिंग होगी, नहीं, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन UPE लिख दे रहा हूँ, कितने हो गए 4, ठीक है, मतलब 1 का सीधे 4 होगा, 1 का 4 A और C में है, ठीक है। Mn F6-4 मैंगनीज भी +2 में है बेटा, ठीक है। फ्लोराइड कान नाक और हाथ बार बार बोला था, कार्बन और नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग, और मतलब ऑक्सीजन हैलाइड वाले वीक, ठीक है। तो Mn+2 में है, और Mn+2 का मतलब 3d5, पैरिंग तो होनी नहीं है, पैरिंग नहीं होनी है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका 2 का 5 है ना, 1 का 4 हो रहा था,
और 2 का 5, तो आपका ऑप्शन सी है। आपको अननेसेसरली एग्जाम में ज़्यादा टाइम कोटी नहीं करना है, भले हम यहाँ कर लें बेटा। फिर से क्रोमियम का साइनाइड के साथ, क्रोमियम +2 में ही है, बट बी केयरफुल, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर वो 3D4 में, ठीक है ना, 3D4 में एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा, ताकि अंदर के 2 ऑर्बिटल खाली मिलें और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो बने, तो तब ये आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 3 का होगा 2, जो ऑप्शन सी में मैच भी हो रहा है, और इन केस ऑफ मैंगनीज भी वही होगा बेटा। मैंगनीज में भी साइनाइड आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 है, वो भी पेयरिंग कराएगा, और 3D5 है, मैंने यहीं पर कर दिया है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 4th का हो जाएगा 1 आपका, सो दैट्स वाई आपका सी ऑप्शन पूरी तरह से मैच हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज इनकरेक्ट, निकिल के 3 कॉम्प्लेक्स मैं बार बार स्टूडेंट्स को रटवा के थक जाता हूँ, NiCO4, NiCN4-2 और NiCl4-2, ये तीनों आपको याद रखना ज़रूरी है बेटा। ये sp3 होता है, ये sp3 होता है, ये dsp2 होता है, ये डाया, ठीक है ना, ये आपका पैरा और ये आपका डाया, बस इतना सा आपको याद रखो। आप शेप तो आपको दी बता दो कि कैसे है ना, निकेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक साथ ही बता रहा हूँ, 3D8 4S2, बार बार मैंने एक गाना बोला स्टार टीवी करोर में, फेको निकू जान, ठीक है ना, तो फेको निकू जान, तो निकिल 8वें नंबर का है, 28 एटॉमिक नंबर, 18 के बाद 3D8 4S2, इसमें निकिल 0 में बेटा, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल इज़ ए पावरफुल लिगेंड, वो इन एस के इलेक्ट्रॉन को भी अंदर भेज देगा, 3D10 बना देगा, क्योंकि बिना एस के तो कोई हाइब्रिडेशन हो ही नहीं सकता है, और फिर अपने लिए 1s और 3p खाली करके sp3 बनाएगा। इसमें निकिल +2 में ये गया 4s2, 3d8 बचा, बट साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 3d8 में जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसने इसको पेयरिंग करके 1d खाली करा, dsp2, और इसलिए डाया हो गया खुद। NiCl4-2, इसमें भी निकिल +2 में है, ये गया 3D8, बट क्लोराइड इज़ ए वीक फील्ड लिगेंड, ये पैरिंग नहीं करवा सकता है, इसलिए इसने 3D8 को एसिडिस छोड़ा, अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनाया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरा है। अब चेक कर लो, पहला ही इनकरेक्ट है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो सही है NiCO4 का, बट वो पैरा मैग्नेटिक है, इसने बोल दिया डाया, बाकी सब तो एक लाइन से तीनों याद हो गए आपको, और काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप तुरंत कर सकते हो ना। अगला NiCN4-2 स्क्वायर प्लेनर भी है, डायमैग्नेटिक भी है, NiCO4 टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक, NiCl4-2 टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक, एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल, है ना, अब ये गलत छप गया है, एल्कली अर्थ मेटल, इट शुड बी एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि नीचे सब जो मेटल्स दिख रही हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना, बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम वगैरह। तो हमें पता है बेटा आयनिक कैरेक्टर का क्या रूल होता है, जो कैटायन जिस सब में एनायन फिक्स है, विच इज़ द एनायन ऑक्साइड, अब रोल प्ले करेगा केवल कैटायन, तो एनायन इज फिक्स, नाउ रोल इज प्लेइंग ओनली कैटायन, और हमें पता है कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर इज़ द कैटायन बाय फेजान्स रूल, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, और अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा पोलराइज हुआ तो उसमें कोवालेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, मोर विल बी कोवालेंट कैरेक्टर, ठीक है, बॉन्डिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग इसे, और अभी तक ये यूज़ हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहेगा बेटा, और अच्छा ही है, जितनी ज़्यादा बार यूज़ होगा उतना हमें जो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, वो दूर होगा हमारा। तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे छोटा कैटायन किसका होता है बेटा, बेरिलियम का, तो उसमें कोवालेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे बड़ा कौन होता है, बेरियम, उसमें कोवालेंट कैरेक्टर सबसे कम, ऑब्वियसली जिसमें कोवालेंट कैरेक्टर सबसे कम उसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो इसलिए हमारा आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा बेरियम में, बेरियम के बाद स्ट्रॉन्शियम में, स्ट्रॉन्शियम के बाद कैल्शियम में, और कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम,
ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट हो रहा है ना, बेरिलियम तो है, सॉरी ऑप्शन नंबर टू, बेरिलियम है ही नहीं, तो हमें केवल बचे हुए चार में से ना, ऐसा नहीं कि आप झगड़ा करने बैठ जाओ कि सर बेरिलियम क्यों नहीं दिया, बेरिलियम इनडायरेक्टली नहीं दिया है तो बेटा हमें तो बस जनरल रूल देखना है, सो करेक्ट आंसर विल बी टू, रीजन है फेजांस रूल, लार्जर इज द कैटायन, मोर विल बी आयनिक कैरेक्टर, स्मॉलर इज द कैटायन, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। आप तो सीधे सीधे बस इस सिंपल से रूल से इसे याद रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 25, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिया है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बोल दिया है, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाने पर क्लोराइड भी बोल दिया है, तो एनायन तो सब में फिक्स हो गया आपका, रोल प्ले करेगा कैटायन, जिस कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और फेजांस रूल से हमें पता है स्मॉल कैटायंस का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, दैट मीन बेरिलियम का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और बेरियम का सबसे कम, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका कम होता चले जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड होगा, बी सी एल टू में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर एम जी, फिर सी ए सी एल टू, फिर एस आर सी एल टू। आपकी नज़रें भी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत आपकी नज़र सही ऑप्शन पर पड़े, क्योंकि कई बार जैसे मेरी नज़र सीधे थर्ड पर पड़ गई। अब आप बोल सकते हो सर आपकी नज़रें कातिल हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरी नज़रें इतनी कातिल हैं, ठीक है ना, बस एक तिरछी नज़र होना ज़रूरी है थोड़ा सा, बिकॉज मेरी भी नज़र सभी ऑप्शन पर जा रही है, बट एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा, नज़र तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन पे भी गई, सेकंड पे भी गई, थर्ड मुझे इमीडिएटली क्लिक कर गया कि हाँ ये ऑर्डर होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप अपनी नज़रों का भी ध्यान रखें, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, इसमें भी वही कहानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर से मोल्स निकालना है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है, नीचे मास में तो देख लो अभी ना अच्छा खासा डिफरेंस है, तो अब इसमें चेक कर ले बेटा, 15 लीटर फर्स्ट और सेकंड में तो डेफिनेटली 15 लीटर और 5 लीटर दोनों एसटीपी हैं, इनमें मोल्स कैसे निकालोगे, 15 को 22.4 से और 5 को 22.4 से, ठीक है ना, 0.5 को 2 से, तो ये हो गया 0.5/2, चलो बाद में करते हैं एक्चुअली डिवाइड, और 10/32, क्लियर। तो अब आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है बेटा, अब इसमें ये तो हो गया 0.25, 10/32 अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास, ठीक है ना, 15/22.4 तो मैं चाहूँ तो 2/3 भी लिख सकता हूँ, 7.5 का ट्रिपल 22.5, उसका डबल तो 2/3 मतलब 0.6, ये तो उससे कम ही होगा, 0.67 होगा, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो हो रहे हैं वो फर्स्ट में ही हो गए। और मैंने आपसे कई बार पहले भी बोला है कि नीट के क्वेश्चंस को आप करवा के, है ना, मैंने लगभग आपको आई हैव सॉल्व टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, इफ़ यू हैव परचेस्ड माय फुल कोर्स वी हैव सॉल्व अराउंड 3000 मोर देन 3000 प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, इन यहाँ के सेशंस में हमने इतनी प्रॉब्लम डीपीपीस, बेसिक एक्सरसाइज, एनालिटिकल एक्सरसाइज, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एसेसमेंट ईदर, तो इनमें मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो नॉर्मली वो फर्स्ट ऑप्शन में ही सही आंसर डाल देता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में ही सही आंसर है। हाँ, हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा पहले निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते थे तुरंत देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, इन द हाइड्रोकार्बन, ये कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स 1, 3 and 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये है 1, ये है 3, ये है 5। कार्बन के लिए सबसे सिंपल रूल बोला था बेटा आपको मैंने, कि अगर कार्बन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, न्यूट्रल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, चार्ज वालों की नहीं, और अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp, तो इसमें दो पाई बॉन्ड है एटम नंबर 1 के लिए तो sp होना चाहिए सबसे पहले, sp ऑप्शन 3 और 4 में आ रहा है। एटम नंबर 3 के लिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, दो सिग्मा बॉन्ड इधर, दो सिग्मा बॉन्ड इधर, तो sp3 होना चाहिए सेकेंड नंबर पे, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। चेक करने के लिए हम लोग 5 को भी चेक करें, sp है आपका एक पाई बॉन्ड है तो इसलिए sp2, सो आवर आंसर विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, ये भी एक पुराना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है बेटा, मैंने पर्पसली लिया है ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, और मेटल के ऑक्साइड्स आपके नॉर्मली बेसिक होते हैं। नॉर्मली इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्रोमियम और मैंगनीज भी मेटल हैं, बट इनके हायर ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का +3 का ऑक्साइड एसिडिक है, मैंगनीज का +3 और +7 दोनों एसिडिक है, इसलिए नॉर्मली है ना, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर CaO भी मेटल है, कैल्शियम, कॉपर भी मेटल है, CO2 नॉन मेटल और H2O तो न्यूट्रल। तो अगर उसने एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है तो सबसे लास्ट में तो पक्का CO2, ठीक है ना, उससे पहले H2O, ठीक है। अब उससे पहले आपका कैल्शियम और कॉपर में ज़्यादा एसिडिक कौन, तो ऑब्वियसली एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले तो लेफ्ट में ये है, कॉपर तो थोड़ा बीच में आता है, तो करेक्ट ऑर्डर आपका ये होगा, मतलब ए विल बी योर आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। ठीक है, चार ऑक्साइड हैं आपके सामने, सोडियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, वाटर। प्योर वाटर तो न्यूट्रल होता है बेटा एट एनी टेम्परेचर, आयनिक में भी पढ़ते हैं, और इन जनरल पता भी होना चाहिए कि वाटर में जितना H+ होता है उतना ही OH-। BeO बेरिलियम का ऑक्साइड इकलौता ऑक्साइड पूरे एस ब्लॉक में जो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये तो एम्फोटेरिक है तो ऑब्वियसली इसमें बेसिक करेक्टर कम ही होगा। अब बच रहे हैं ये दो, लिथियम और सोडियम। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर किसी भी पीरियड में, सॉरी किसी भी ग्रुप में बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो ऑब्वियसली सोडियम का ऑक्साइड ही इस सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ना। अभी तक मुझे बोर्ड पर भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस में मैं इतना लिखूँ कि Li2O लेस बेसिक, Na2O मोर बेसिक, तो उसका कोई मतलब नहीं बेटा, वो बोल के भी मैं समझा सकता हूँ बिना लिखे बोर्ड पर, ठीक है। तो ब्लॉक्स मतलब इतने ही हैं कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज दिस नॉट एज दिस, ये तो करेक्ट है। ठीक, अब रीजन को देखें, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज द वन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट मल्टीप्लिसिटी, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। होन्स रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सही होना चाहिए, सेकंड नहीं, और नीचे भी वही बोल रहा है कि वो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, स्टेबल होगा जिसमें मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा हो, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर आगरा होगा। बोथ आर करेक्ट, और रीज़न ही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर हमने पेयरिंग करा दी तो मल्टीप्लिसिटी उल्टे कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। Which of the following compounds are arranged in increasing order of oxidation number of sulfur? ठीक है, increasing order है बेटा, तो सबसे पहले तो ठीक है ना H2SE आना चाहिए, क्यों, क्योंकि चारों कंपाउंड आपको दिख ही रहे, बाकी में तो सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जिसमें केवल सल्फर हाइड्रोजन के साथ होगा डेफिनेटली उसमें सल्फर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, और जिसमें सल्फर ऑक्सीजन के साथ में है उसमें वो अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। सबसे पहले तो H2S आना चाहिए, 3 या 4 में से आंसर होगा, दिमाग लगाते हुए भी करना है। अब अगले किसी एक कंपाउंड को चेक कर लो, वहीं से काम ख़त्म आपका, इंस्टेड ऑफ चारों में निकालने की। आपने घर पे करा होगा अगर ये क्वेश्चन, तो आप शायद मनी मन इस समय हंस रहे होगे कि आपने चारों में निकाली होगी, ये मेरी गारंटी है ना। हम लोग केवल पहले इस लॉजिक से 3/4 आंसर पे आए, फिर हमने H2SO3, अब H2SO3 H2S2O3 में डेफिनेटली कम इसी में होगी, क्यों, H भी सेम है, O भी सेम है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले भी हम अपना काम कर सकते हैं, दोनों सेम है, इसमें सल्फर का एक एटम है, इसमें सल्फर के 2 एटम है, तो जो भी चार्ज होगा ऊपर वो 1 के ऊपर आएगा, नीचे वो 2 के ऊपर आएगा, तो डेफिनेटली सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए, आपका आंसर हो गया 4। ठीक है ना, फिर SO3 ही आना चाहिए, फिर SO4 ही आना चाहिए, हो गया ख़त्म। अब इसमें मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि उसमें आप अब परफेक्ट हो चुके हो, बट अब मेरे लॉजिक से भी काम करोगे तो काम आपका आसान होगा, क्योंकि डोंट टेक इट अदरवाइज, मेडिकल स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो होती है बेटा ना, कई भी नहीं बोलूँ मैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 50% की तो होती है, और ये तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर भले में डोंट, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड मेडिकल, बट IIT के बच्चों में भी ऑक्सीडेशन नंबर इतना ईजी टॉपिक होते हुए मैंने ऑब्जर्व करा है, उनकी कैलकुलेशन खूब स्लो होती है,
और इस सेशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इजी चुटकियों में उड़ाना सीखें, ऐसे ऐसे कैसे उड़ती है प्रॉब्लम, वो एक मेन इंपॉर्टेंट एम है। कैलकुलेशन कैसे बचेगी, कैसे लॉजिक से, क्योंकि चार कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में टाइम खोटी करोगे, फिर उसमें ऑर्डर देखोगे, आपका खूब टाइम खोटी होगा। सीधे जो मैंने लॉजिक बताया है, इस लॉजिक से वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, तीन कंपाउंड में सल्फर ऑक्सीजन के साथ है, एक में हाइड्रोजन के साथ है, डेफिनेटली हाइड्रोजन वालों में वो नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन वालों में पॉजिटिव, 3-4 का आंसर हुआ। फिर उसके बाद ठीक है ना, Hb2O3 सल्फर 1 सल्फर 2, तो डेफिनेटली इसमें दो सल्फर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उसमें एक के ऊपर आ रहा है, तो इसी में ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, ख़त्म हो गया काम मेरा, ठीक है ना। अब इसमें नॉट करेक्ट में स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देता है बेटा ना, कई बार वो जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ता है, इसलिए बी केयरफुल, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी आर रिलेटेड विथ रेस्पेक्टिवली, ऑलरेडी जब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हाई प्रेशर पर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में पूछा था, तभी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है, बी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बताता है, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए अट्रैक्टिव फोर्स एंड बी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब थ्योरी को मैंने रिवाइज करवा दिया एक तरह से आपसे इसी सेशन में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इनमें से तीन पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, चौथा नहीं है, जो फर्स्ट साइट में नज़र आ रहा है ना। अब इसका भी चलो रूल बता ही दूँ, मैंने आपको रूल बता दूँ बेटा, CO कह रहा हूँ इनफैक्ट, है ना, अननोन में लिखे हम, तो कैपिटल M जो अननोन में लिखते हैं बुक्स में लिखा रहता है, AA3 प्लस माइनस N, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, स्मॉल ABCD लिखते हो बेटा तो मोनोडेंटेन लिगेंड का सिंबल होता है ना, कैपिटल AB लिखते हो तो बाइडेंटेंट का, AA लिखा है तो सिमेट्रिक बाइडेंटेंट, और AB लिखा है तो अनसिमेट्रिक बाइडेंटेंट, ठीक है। तो ENB सिमेट्रिक बाइडेंटेंट लिगेंड है, OX भी सिमेट्रिक बाइडेंटेंट लिगेंड है, MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स, इट इज़ द ओनली कॉम्प्लेक्स, ये ओनली कॉम्प्लेक्स है बेटा विच डज नॉट शो, विच डज नॉट शो GI बट शो OI, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखें, ये इकलौता कॉम्प्लेक्स है जो GI तो नहीं शो करता, OI शो करता है, ठीक है। इसी तरह से MAB3 प्लस माइनस N, ये भी इकलौता कॉम्प्लेक्स है, इट इज ऑल्सो ओनली कॉम्प्लेक्स हुज बोथ फॉर्म आर ऑप्टिकली एक्टिव, हुज बोथ फॉर्म, अब कौन कौन से बोथ फॉर्म, सिस एंड ट्रांस, क्योंकि ये सिस ट्रांस दोनों शो करता है, हुज बोथ फॉर्म आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब बच रहा है बेटा, ये दोनों तो पक्का हो गए, अब नीचे वाले दोनों देखो सेम है, सिस है और ट्रांस है, आपको इन जनरल तो पता ही होगा बेटा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको याद है बेटा तो सीधे आपका आंसर डी था, नहीं याद है तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर याद रखें। और आपको इन जनरल तो पता ही होगा बेटा कि ट्रांस फॉर्म में हमेशा प्लेन ऑफ क्या आ जाती है, सिमेट्री, तो अगर आप ट्रांस वाला फॉर्म बनाओगे इसका तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, CO EN EN जुड़ेगा, ठीक है, ऊपर से CL नीचे से CL, तो इसमें यू कैन सी नाउ देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव, और उसने वही पूछा है ना, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ही ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ याद रखने की जरूरत पड़ रही है ना। 8 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T½ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अब ये सही हो रहा है, ठीक है ना, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T½ इज ट्वाइस देन T³/4, ये तो गलत हो रहा है, T³/4 ट्वाइस होता है T½ का, तो फिर से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe+3 से Fe का इतना है, Fe+2 से Fe का इतना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल E₀ फॉर Fe+3 से Fe+2, इसका ऑलरेडी मैं शॉर्टकट फार्मूला जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में है उनके लिए बता चुका हूँ कि जिसका भी E₀ निकालना हो, एक जनरल फार्मूला है N₁ E₀₁ प्लस N₂ E₀₂ अपॉन N, ठीक है, जिसका E₀ निकालना है
है ना, उसी का एन नीचे, तो हमें इस वाले रिएक्शन का चाहिए, तो इसका एन मतलब वन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, वो नीचे डाला। अब ऊपर वाली जो दो रिएक्शन है, ठीक है, उनमें कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एन वन है, कौन सा एन टू है, ई नॉट वन कौन सा, ई नॉट टू कौन सा। आपको एफ ई प्लस थ्री चाहिए किस साइड, रिएक्टेंट साइड, है ना, एफ ई प्लस थ्री गिवन भी किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो एन वन फर्स्ट रिएक्शन मैंने उठाई, उसका थ्री और उसका ई नॉट माइनस पॉइंट 0.036 प्लस। अब Fe प्लस टू मुझे किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड, तो सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है N2, तो उसका 2 हो गया, बट ये प्रोडक्ट साइड जब ले जाओगे तो ये प्लस का 0.44 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू प्लस 0.44 इस प्लस का 0.88, ठीक है, उसमें से कुछ माइनस होगा, तो अब हमें पूरा फिर आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ा सा भी जो माइनस होगा सीधे सीधे आई विल से कि माय आंसर विल बी प्लस 0.772 वोल्ट, है ना। स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक होती है कि वो पूरा सॉल्व करने चले जाता है। अब हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का मीनिंग है, इस पर्टिकुलर कोर्स का मीनिंग है कि हम साथ ही साथ आंसर्स देख के अपना दिमाग लगाएं, ना, ठीक है। वो आपका 0.772 ही आएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व, कि 0.88 में से माइनस होगा आपका 0.108, और वो माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 और ये 7, यू कैन सी आंसर वही आएगा, बट यूज़ योर ब्रेन आल्सो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ml ऑफ यूडियोमेट्री के ऊपर बेटा, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। CH4 एंड C2H2 वर एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ O2। After explosion and cooling, the mixture was treated with KOH, where a reduction of 165 ml observed, therefore the composition of the mixture. ना आपको पहले reactions लिखनी पड़ेंगे बेटा ना, इसमें आप shortcut से नहीं कर सकते हो। CH4 plus 2O2, hydrocarbon के combustion के ऊपर मेरा observation है कि questions आते हैं आजकल, ठीक है, और कंबशन की सही रिएक्शन लिखना, क्योंकि तभी वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन पता पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है कि इसमें वाटर लिक्विड होता है, बाकी सब गैस है ना। C2H2 की सही रिएक्शन लिखोगे तो C2H2 प्लस O2 गैस, है ना, किसी को डायरेक्ट नहीं लिखना आता हो बेटा तो रूल सुन लें, 2 कार्बन मतलब 2 CO2 बनाओ, और एक दो हाइड्रोजन है तो एक H2, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करा करो, 2 × 4 ऑक्सीजन प्लस 1 वहाँ से 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, क्लियर, ठीक। अब मान लो इसका V है बेटा, ठीक है, इसका V मान लो, चलो इसका 100 माइनस V। अब ऐसा क्यों करा सर, ऊपर लिख के ये फ्रैक्शन में ना बेटा, तो इसको सिंपल V मान लो, ताकि बार दो नंबर से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, छोटी छोटी ट्रिक तो हर जगह लगेगी, ठीक है। अब इसका 100 माइनस वी, तो ऑक्सीजन का इसका डबल मतलब कितना लगेगा, 200 माइनस 2V, ये दोनों ख़त्म, प्रोड्यूस कितना हुआ, 1:1 का रेशो है 100 माइनस वी, ठीक है। इसका वी तो ऑक्सीजन का कितना लगेगा, 2.5V, ये दोनों ख़त्म, इसका 1 मोल से उसके 2 मोल बना कितना, 2V, क्लियर। वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन वो बोल रहा है, After explosion and cooling, the mixture was treated with KOH, where a reduction of 165 ml was observed. अच्छा, तो इतना सब मैंने जो कर दिया है उसकी भी ज़रूरत नहीं थी बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन अननेसेसरली लेंदी कर दिया, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने KOH के बाद का रिडक्शन दिया है ना, मुझे लगा पूरा दिया है, तो KOH आपको बस इतना सोचना है, KOH क्या करेगा, KOH यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, क्योंकि वो बेसिक है, CO2 एसिडिक है, तो फिर तो हमें रिएक्शंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। अब लिख दी है तो अलग बात है, बट आपको बता रहा हूँ आपको ज़रूरत नहीं थी, आप इसको V मानते तो ऑटोमेटिकली ये 100 माइनस V होता है बेटा, इसका कार्बन एक मोल है तो CO2 भी एक मोल बनता, इसमें कार्बन दो है तो CO2 डबल बनता, तो 200 माइनस 2V टोटल वॉल्यूम CO2 का, है ना, मैंने इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन बोल दिया था आपको, बट वो शायद मेरे से पढ़ने में रीडिंग गलत हो गई, है ना, अदरवाइज तो इजी क्वेश्चन निकल आया। तो ये टोटल CO2 का वॉल्यूम है, और अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम इट शुड बी 165,
तो 200 माइनस वी की वैल्यू 165, मतलब वी की वैल्यू 35, तो दैट मीन आपके पास सी एच फोर 35 ml है और सी टू एच टू 65 ml, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, कहानी खत्म। और कभी आप रिएक्शन न लिख पाए बेटा तो एक रूल दूसरा सुनिए, आपके पास समय खूब बच रहा है, आपसे पेपर में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा होगा नहीं बेटा, मेरी ऐसी है ना विश नहीं है, बट कभी कभी हो जाता ना कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उल्टा आंसर से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर हमसे पेपर में नहीं हो रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन, तो कम से कम हम उल्टा चल के एक मिनट ज़्यादा देकर उल्टे वे में चले जाए ना। उल्टे वे में जाने से क्या होगा, देखो ये 35 था तो सी एच फोर का भी 35 ही बनेगा, ये 65 था तो सी ओ टू का इसका डबल, मतलब 65 का डबल 130 प्लस 35 आ गया 165। बाकी किसी ऑप्शन में चेक कर लो, नहीं होने वाला, सेकंड में जैसे चेक करोगे तो 65, क्योंकि 1:1 का रेशो, इधर डबल है तो 35 का डबल 70, तो 70 प्लस 65 आपका होगा कितना 135, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो वहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा केवल ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये भी आपकी हेल्प कर सकती है। फोर्थ इज योर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन कॉम्बाइंड मोशन, इन कॉम्बाइंड मोशन। तो किसी भी कॉम्बाइंड मोशन मान लो ये एक बॉडी है, ये इसका VCM है और इसी के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं ये घूम रहा है, किसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम आइथ पॉइंट को, तो इस आइथ पॉइंट के दो वेलोसिटी होंगे, एक तो VCM वेलोसिटी होगा, एक तो VCM वेलोसिटी होगा इसका, और एक कौन सा वेलोसिटी होगा जिसके रेस्पेक्ट में, जो किसके रेस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या करेगा ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर के लिए टेंजेंशियल जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये आर आइथ है और हमने कौन से पार्टिकल को सिलेक्ट किया है, एम आइथ पार्टिकल को सिलेक्ट किया है, तो एम आइथ पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, दिस वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को लिखना क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम आइथ इंटू वी आइथ का स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइथ पार्टिकल। सो पहले मैं आइथ पार्टिकल कैलकुलेट करूंगा, फिर उसका मैं क्या करूंगा, समेशन करूंगा, वो किसके लिए आएगा, पूरा बॉडी के लिए आएगा। सो बोलो एम आइथ कितना लिखोगे, 1/2 एम आइथ इंटू वी आइथ कितना हो गया, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड ये कौन सा है, वी टेंजेंशियल, इसको हम बोलते हैं वी आइथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वी आइथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड, हम तो स्पीड लिख रहे ना, और इसका फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर। बोलो VCM और वी आइथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही वी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं एंगल कितना है, मान लेते हैं एंगल कितना है दोनों बीच का, थीटा है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू 1/2 एम आइथ इंटू वी स्क्वायर ऑफ सी एम प्लस वी स्क्वायर ऑफ आई एथ सेंटर ऑफ मास प्लस 2VIC इंटू वी सी एम कॉस थीटा, फिर इसको बाहर ले लो 1/2 एम आई इंटू वी स्क्वायर ऑफ सी एम प्लस हाफ एम आई इंटू वी आई स्क्वायर ऑफ सी एम प्लस 2MI इंटू वी आई विद रेस्पेक्ट टू सी एम इंटू वी सी एम कॉस थीटा। अब मैं इसका समेशन कर रहा हूं, तो इसका समेशन 1/2 एम आई इंटू वी स्क्वायर सी एम प्लस 1/2 एम आई। अब देखो मेरी बात सुनना, वी सी एम तो कॉन्स्टेंट है भाई, हर एक पॉइंट तो वी सी एम से चलेगा ना, तो वी सी एम तो कॉन्स्टेंट है, तो वी सी एम को मैं बाहर ले सकता हूं, तो समेशन ऑफ एम आई क्या बनेगा, पूरा मास बॉडी का। और यहां देखो ये वी आई सी वेलोसिटी ऑफ आइथ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किससे चल रहा है, आर इंटू ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, आर इंटू ओमेगा, किससे चल रहा है ये, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको लिख सकता हूं वी आई सी को लिखूंगा मैं आर आई स्क्वायर
इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या ओमेगा हर एक पॉइंट का बराबर होगा, वही होगा जो इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो बॉडी आपकी घूम रही है, प्लस इसको लिखूंगा समेशन ऑफ टू एम आई इंटू वी आई सी वी सी एम कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लूंगा वी सी एम इंटू कॉस थीटा। बोलो ये कितना बन गया, हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर सी एम प्लस ये क्या बन गया बताना, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ क्या बनाइए, जीरो हो गया ना, ये तो क्या है ये, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ मास पार्टिकल, इससे मोमेंटम बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द मास पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, और मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम हमेशा क्या होता है जीरो, तो ये चीज क्या हो जाएगा जीरो, तो बचा गया ये पूरा चीज, तो हम इससे लिखेंगे हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर सी एम, ध्यान रखें कॉम्बाइंड मोशन में हम किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी इन द कॉम्बाइंड मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन द कॉम्बाइंड मोशन, तो कॉम्बाइंड मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉर द सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या आई किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते हो यहां पर इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी वर 10 टाइम्स ऑफ लार्ज एंड मैग्नीट्यूड देन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ये आपका अर्थ हो गया ठीक है, और यहां कहीं सन, तो पहली बात यहां पर एक बॉडी रखी स्मॉलर मास की ठीक, क्या क्या बोल रहा है वो, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इज जी वर 10 टाइम्स लार्जर, तो सबसे पहले जी की बात कर लेते हैं, जो जी होगा That is equal to GMEY of RE square only. इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 10 10 टाइम्स बढ़ गया, तो G dash जो होगा वो 10 टाइम्स ऑफ G हो जाएगा। दूसरी चीज, तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ये सही है, ये सही है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया G dash, रेन ड्रॉप्स विल फॉल मच फास्टर, अगर रेन ड्रॉप की बात करता हूं तो क्रिटिकल स्पीड जो होती है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, और ये बराबर हो जाती है फोर्स जो लगता है विस्कस फोर्स, ये बराबर हो जाता है किसके, एम जी के, यानी कि जो वी टी होता है टर्मिनल स्पीड जो होती है वो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, अब अगर जी बढ़ गया तो ऑब्वियसली वी टी भी बढ़ जाएगा, यानी कि वी टी 10 टाइम्स हायर हो जाएगा, तो रेन ड्रॉप विल फॉल मच फास्टर, एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर ऑब्वियसली, तो अगर अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन की जो फ्लाई करता है तो उस पर अप थ्रस्ट फोर्स लगता है एफ अप, वो एम जी को बैलेंस करता है, तो अगर हम बात करते हैं ये विंग्स है एरोप्लेन की विंग्स है, तो एरोप्लेन की विंग्स से तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू वॉट एम जी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो उसका वेलोसिटी और फास्ट होना पड़ेगा तब जाके जो प्रेशर डिफरेंस है, बिकॉज इफ यू राइट बर्नौली इक्वेशन that P1 plus half mv square, I mean sir, rho v square is equal to P2 plus half rho v2 square. Because at same level, if this is your aeroplane, here the speed, down the wings there is the speed v1, up the wings there is the speed of v2, got it? Down there is pressure P1, up there is the pressure P2. So, if I write P1 minus of P2 is equal to half rho v2 square minus हाफ रो वी वन का स्क्वायर ठीक है, नाउ पी वन पी टू शुड बी इक्वल टू, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो ये वेट बन जाएगा एम जी, यानी कि ये बन जाएगा फोर्स, तो ये फोर्स हायर कब होगा, क्योंकि एम जी तो हाई हो गया, तो एम जी हाई हो गया तो ए ये भी हाई होना चाहिए, ये हाई कब होगा जब स्पीड आपकी हाई होना चाहिए ठीक है, सो योर राइट आंसर इज व्हाट, एरोप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल फास्टर, मल्टीपल हो गया तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बी और राइट स्टेटमेंट हो गया ए सी डी ओके, बहुत सारी पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर
वॉटलेस पावर, ठीक है ना, तीन चार तरह की आरएमएस पावर, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर। मेरे को देखो क्या दिया हुआ है, मुझे वी दिया है, वी क्या होता है बोलना सर, वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन, ये होगा इनपुट जो हमें दिया जाएगा, और करंट कितनी होगी बताना सर, ये तो डिपेंड करेगा सर्किट पे, फिर भी बताओ सर। ओके, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लो भाई वोल्टेज तो दिया जाएगा ना, करंट कितनी होगी इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट। अगर मैं सर्किट की बात करता हूं, मुझे नहीं पता सर्किट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह से आएगा, फाइव प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो पावर कितनी होगी, फर्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर वी आई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। सो पी इज इक्वल टू कितना, V into I। कभी कभी बोलता है that instantaneous value of the voltage is 20 volt and current is 30 ampere. What is the instantaneous power? बच्चे फॉर्मुला घुसाते हैं उसके तो सीधा बोलो, instantaneous यानी V into I, instantaneous value that means V into I। अब बोलो V, V कितना हो गया, V zero sine omega t। I कितना हो गया, I zero sine omega t plus phi। कितना हो गया ये, V0 into I0 into sin omega t into sin omega t plus phi। अच्छा V0 into I0, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मुझे अब क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू। मैं एवरेज वैल्यू निकालने जा रहा हूं, देखना एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हो गया sin omega t, इसको मैं खोल सकता हूं sin a plus b के फॉर्मूले से, क्या आएगा sin a cos b plus cos a, तो ये हो गया sin omega t इंटू साइन ए यानी ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। सो यह हो जाएगा आपका वी जीरो आई जीरो इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन कॉस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। कोई दिक्कत, ओके So, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इसको लिख सकता हूं मैं वी जीरो आई जीरो इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या कॉस फाइव को मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको लिख सकता हूं वी जीरो आई जीरो बाई टू। इसके बाद क्या लिखूं, साइन टू ओमेगा टी ना, क्योंकि वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई है, मैं 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 sin omega d cos omega t। हाँ है ना, अरे ऐसे ले लो ठीक है, तो ये बन गया 2 sin omega t cos omega t, जिसको लिख सकता हूं sin 2 omega d, और बचा है नीचे कितना 2, तो ये हो गया v0 i0 by 2 into sin 2 omega d, और sin phi आगे ले लो ये। अभी एवरेज पावर ले, एवरेज के लिए मतलब क्या बताना, कैसे लेंगे एवरेज पावर, ये तो इंस्टेंटेनियस लिखा हूं अभी तक, अब एवरेज का मतलब पी को किस में ले लें, खोपचे में, कितना होगा ये, कितना हो गया आपका वी जीरो आई जीरो इंटू कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर की खोपचे वाली मालूम है क्या तुम्हें कितनी होती है, वन बाई टू, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, और एवरेज वैल्यू यहां पे किसके लिए चल रही है, फुल साइकिल के लिए, समझ आ रही है, वो निकालते हैं हम, हमसे नहीं पूछा जाए तो हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, फुल साइकिल के लिए बोलेंगे, वो अगर एवरेज साइकिल के लिए बोल रहा है तो ठीक है हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम किसके लिए बात करेंगे यहां पर हमेशा, फुल साइकिल के। सो वी जीरो आई जीरो कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हाफ वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, प्लस दूसरा फैक्टर देखो वी जीरो आई जीरो इंटू साइन फाइव By 2 into average value of किसके लिए, कितना होता बताओ sin 2 omega t का average value 0, और sin square omega t का average value full cycle के लिए half, तो ये हो गया आपका P average for full cycle that is equal to V0 I0 by 2 into और ये 0।
ठीक है। तो कितना हो गया ये V0 I0 cos phi by, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप V0 I0 √2 into cos phi। अच्छा ये V0 √2 क्या हो गया बोलना, और ये I0 √2 क्या हो गया बोलना, और cos phi क्या हो गया बोलना, cos phi, और ये क्या हो गया बोलना, एवरेज पावर पी एवरेज। अच्छा इस VRM या IRMS को मैं कुछ और भी लिख सकता हूं क्या, कुछ और भी लिख सकता हूं क्या IRMS को, VRMS by Z, इसका मतलब इसका एक फॉर्म और हो सकता है क्या, पी एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा VRMS को क्या लिख सकता हूं, IRMS इंटू जेड, अच्छा cos phi को क्या लिख सकता हूं, पक्की बात और कुछ नहीं लिख सकता है, कैसे cos phi क्या लिख सकता हूं सर, मैं मालूम है tan phi क्या होता है, tan phi XL माइनस XC बाय R या नहीं, यही होता है ना, अच्छा याद करो tan phi होता है आपका RLC सर्किट के लिए, tan phi क्या होता है, इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल, इमेजिनरी क्या होता है XL माइनस XC बाय, पक्की बात ना, रियल पार्ट, तो ये क्या हो गया जेड, आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट जेड, अच्छा तो cos phi क्या हो गया R by Z बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos phi कितना हो गया R by Z, तो P एवरेज हो गया आपका VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, cos phi हो गया आपका R by Z, और VRMS हो गया आपका IRMS इंटू Z, तो देखना क्या फॉर्म बन रही है, P एवरेज इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS इंटू, ये तो हमने बहुत पहले देख ली, अरे हीट निकाला था ना, हीट में ये तो लिखा था, हम IRMS क्यों कैलकुलेट करते हैं सर, ताकि हम इजीली हीट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर मैं ढंग से देखूंगा तो हीट कैसी है, वेरिएबल है, क्योंकि करंट कैसी है, वेरिएबल है, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो मैं कैसे निकालता हूं हीट, एच इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी डी, और इसका इंडिकेशन आई क्या हो गया आई जीरो साइन ओमेगा टी, और इसका इंडिकेशन जीरो से टी, बड़ा लंबा प्रोसेस है, या क्या कर लो एक ऐसी करंट मान लो कांस्टेंट करंट जिसका मल्टीप्लिकेशन सीधा क्या देते आपको हीट, वो कांस्टेंट करंट कौन सी होती है आरएमएस, करा था ना सारी चीज, कांस्टेंट करंट क्या होती है आरएमएस, तो आपने क्या कर दिया सीधा सीधा आई स्क्वायर आरएमएस इनटू आर, या इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर आरएमएस अपॉन जेड स्क्वायर इनटू, ये भी बनेगा ना, क्योंकि आईआरएमएस क्या होगी वीआरएमएस बाय जेड, आईआरएमएस क्या हो गई VRMS by Z, तो ये भी लिख सकता हूं V square RMS by Z square into R, कोई दिक्कत वाली बात। Which variety of rice was patented by US company even though the highest number of varieties of this rice is found in India and we know that we are talking about basmati rice। हमने पढ़ा था कि बासमती की 1 लाख से भी ज़्यादा किस्में हैं जो इंडिया में कई सालों से कई जनरेशन से रेज होती आ रही हैं, और बायोपेटेंसी का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट का बायोपेटेंट ले लिया जाता है कंपनी के द्वारा, इसका मतलब है कि अब सिर्फ वही कंपनी उस पर्टिकुलर राइस को उगा पाएगी, उस प्रोडक्ट को उगा पाएगी, और अगर किसी और ने करा तो उसे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे लॉयल्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो इलीगल होगा। तो अमेरिकन राइस टेक कंपनी ने बासमती का पेटेंट ले लिया था हल्का सा मॉडिफिकेशन करके, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया था, नहीं तो हमारे सारे किसानों को उन्हें लॉयल्टी देनी पड़ती बासमती उगाने के लिए, राइट। एनीवेज दिस वॉज वॉट वी डिस्कस्ड इन डिटेल, सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बासमती। बाकी नीम टर्मरिक इनके भी बहुत सारे बायो पेटेंसी के इश्यूज हुए हैं। यहाँ पे हमने फिर बायो पायरेसी भी पढ़ा था। बायो पायरेसी मतलब किसी भी कंट्री के या लोगों का कोई ऐसी नॉलेज को चुरा लेना, उसका यूज़ कर लेना बिना उनकी जानकारी के, या
बिना उन्हें उसका कॉम्पनसेशन दिए। तो इसे हमने बायोपायरेसी पढ़ा था, बायोएथिक्स पढ़े थे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी भी बनाई है, ये फुल फॉर्म आना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। यही डिसाइड करती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिसर्च प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, उनमें इतना अमाउंट लगाने की ज़रूरत है या नहीं, कहीं वो लोगों के लिए एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं है, यही सारे इश्यूज़ डील करती है। एक और टर्म हमने पढ़ा था, हमने बायोएथिक्स पढ़ा, बायोपायरेसी पढ़ा, बायो पेटेंसी पढ़ा और एक बायो वॉर पढ़ा था, बायो वॉर या बायो वेपन, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होगा फॉर बायो वॉर्स। राइट, नाउ यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर स्किड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो स्किड में हमने कैसे पढ़ा था इसका करेक्शन, इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज की अगर हम बात करें ADA स्किड की, पहला ट्रीटमेंट तो ये है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जिंदगी भर वो इंजेक्शंस ले उस एंजाइम का जो डेफिशिएंट है ADA का, या जो वो प्रोटीन बना रहा है उसका डायरेक्टली। सेकंड, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। थर्ड, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में साइंटिस्ट ने क्या किया था, ADA जीन लिया नॉर्मल पर्सन से, जो ADA बनाएगा, दिस इज फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन। ADA जीन लिया, यानी वो DNA लिया, फिर उसमें से ADA जीन आइसोलेट किया और फिर इसे रेट्रोवायरस, हम जानते हैं रेट्रोवायरस एनिमल्स में वेक्टर की तरह यूज करते हैं। रेट्रोवायरस क्या करेगा, RNA में कन्वर्ट करेगा, RNA को cDNA में कन्वर्ट करेगा और फिर उस cDNA को हमने लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से लिए हैं, पेशेंट से लिए हैं, उसके अंदर हमने डाल दिया। तो ये तो वेक्टर है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है और ये होस्ट है और फिर इन लिम्फोसाइट्स को हमने कल्चर करके वापस ट्रांसफर कर दिया इनटू पेशेंट्स बॉडी। बट इसमें एक लिमिटेशन थी कि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, मॉर्टल है, तो हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स करने पड़ेंगे, पीरियोडिक इन्फ्यूजन। इसीलिए ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या है कि हम इस जीन का करेक्शन एम्ब्रियो लेवल पे कर दें, 16 सेल स्टेज तक कर दें, जब तक कि सेल्स टोटी पोटेंट होते हैं तब तक, तो वो सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली वो जीन करेक्ट हो जाएगा। सो परमानेंट क्योर जो है वो क्या है, जीन थेरेपी एट 16 सेल स्टेज, यानी एम्ब्रियोन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक अगर हम कर दें। राइट, सो ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर वेक्टर क्या यूज हो रहा है, रेट्रोवायरस, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी। ह्यूमन के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। सो द आंसर इज सी, दैट इज रेट्रोवायरस। इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायो मटेरियल विदाउट पेमेंट टू इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन इज कॉल्ड, जैसा हमने पढ़ा था ब्रासीन जो है वो अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका के एक प्लांट से एक बेरी प्रोड्यूस होती है जो, जिसमें ब्रासीन होता है जो एक प्रोटीन है जो शुगर से 2000 टाइम ज़्यादा मीठा है। एक अमेरिकन कंपनी ने उसका सेम DNA बनाकर ब्रासीन फॉर्म करा और उसका पेटेंट लेना चाहा, बट ये इलीगल है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ पे नेचुरली सालों से ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह का इलीगल अनलॉफुल जो है उसे पायरेसी कहते हैं, चोरी, थेफ्ट, बायोपायरेसी। सो दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यहाँ ये बेसिकली देख रहे हैं आपकी डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं या नहीं है। वॉर नहीं है ये, पेटेंट भी नहीं ले रहा है, ये तो चोरी कर रहा है, इलीगल एंड अनलॉफुल। बी, बाय PCR प्रोसीड्स इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स गवर्नड बाय टेम्परेचर, थर्मल साइकिल है। क्या क्या ऑर्डर है, पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और फिर इलोंगेशन। इलोंगेशन को हम सिंथेसिस भी बोल सकते हैं क्योंकि DNA टेम्पलेट अब सिंथेसाइज हो रहा है। इलोंगेशन, एक्सटेंशन, पॉलीमराइजेशन, सिंथेसिस, कुछ भी कहिए। ये तो नहीं हो सकता है, अनीलिंग के बाद डीनेचुरेशन नहीं आता, यहाँ भी नहीं हो सकता डीनेचुरेशन, फिर सिंथेसिस, फिर अनीलिंग भी नहीं हो सकता। अगर आपको सिंथेसिस का मतलब नहीं भी क्लिक कर रहा है तो आप इन दोनों से भी ये डिसाइड कर सकते हैं आंसर। सो द आंसर इज डी। GEAC स्टैंड्स फॉर, अभी अभी हमने देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। दिस ये मेन डिसीजंस लेती है, एक तो ये कि जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी कितनी है, कितने वैलिड हैं वो,
वो डिसीजन देगी, तभी वो रिसर्च आगे बढ़ेगी। दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट बना लिया गया है तो वो कितना सेफ है पब्लिक यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस करना उसको, वो सारे डिसीजंस भी यही कमिटी लेती है। ये पॉइंट्स हमने समझे थे, लिखे थे। सो इट स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, दैट इज सी। नाउ फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइए पहले हम देखते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बिकम इनविजिबल, बिल्कुल भी नहीं। लेप्टोटीन, आइए एक बार मैं क्विकली यहां पे दिखा देती हूं आपको। ये लेप्टोटीन में बुके स्टेज है, क्रोमोसोम्स पतले पतले थिन स्लेंडर फॉर्म में है। जाइगोटीन में साइनैप्स हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में क्यास्मा फॉर्मेशन, डायग्नाइसिस में टर्मिनलाइजेशन। आइए देखें, लेप्टोटीन में इनविजिबल, नो नॉट एट ऑल, सो दिस इज रॉन्ग। जाइगोटीन, नाउ एवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे, वाइल ह्यूगो डिवरिस बिलीव दैट म्यूटेशंस कॉज स्पीशिएशन। द बिलीफ ऑफ डिवरिस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्टेशन, दैट मीन्स तुरंत अगली ही स्पीशीज, अगली जनरेशन नई स्पीशीज होगी, फास्ट फास्ट बताया था उन्होंने, जर्की एंड सिंगल स्टेप एवोल्यूशन बताया था, जबकि डार्विन ने स्लो एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था। और एक्चुअली दोनों ही तरह से स्पीशीज बन सकती है। सो नेक्स्ट जो थ्योरी है, जो लेटेस्ट मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी है, नियो डार्विनिज्म, जिसमें डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूगो डिवरिस का म्यूटेशन और भी बहुत सारे पॉइंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, करेक्ट पूछा है, राइट। प्रोलिफरेटिव फेज, अब बड़ा ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना होता है स्टूडेंट्स, नहीं तो एकदम कंफ्यूजन होता है, देखिए कैसे। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब रैपिड रीजनरेशन, बिल्कुल सही है, ऑफ मायोमेट्रियम। ये एक वर्ड में अगर अपन एंडो कर दें तो ये आंसर भी सही हो जाए, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल भी मेच्योर होता है, फॉलिकुलर फेज भी यही होता है और प्रोलिफरेशन भी होता है, बट एंडोमेट्रियम का, मायोमेट्रियम का नहीं, मसल लेयर का थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत है, हमसे सही पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कब होता है, सिक्रीटरी फेज में, ये तो सही है, एंड इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है कब, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, तो फिर एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, स्टॉप हो जाता है। कैन बी ड्यू टू प्रेगनेंसी इफ ओवम इज फर्टिलाइज्ड, और स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, हमने पढ़ा था, तो ये भी गलत हो गया। नाउ ओव्यूलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल, बिल्कुल सही है, एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये गलत है, बल्कि इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी गलत है, हमसे सही पूछा है, सही हो गया बी, यानी कि सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज अ मैक्रोन्यूक्लियस फॉर ट्रॉफिक फंक्शन एंड वन और मोर माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं डायकैरियोटिक कंडीशन, दो टाइप के न्यूक्लियस सीलिएटेड प्रोटोजोआ में होते हैं, यानी पैरामीशियम वाले ग्रुप में, ये रहा आंसर। यूग्लिना में सिंगल न्यूक्लियस होता है, अमीबा में सिंगल, ये अमीबॉइड टाइप का प्रोटोजोआ है। ट्रिपैनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, इन सब में सिंगल सिंगल होते हैं। सीलिएटेड में साइटोस्टोम, साइटोपाइक, ट्राइकोसिस्ट और साथ में दो टाइप के न्यूक्लियस। मैक्रो जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी न्यूट्रिशन वगैरह सबके लिए, और माइक्रो जो रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी से रिलेटेड है। आंसर इज सी, पैरामीशियम। नाउ मेल एंड फीमेल कॉकरोच, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 7 पे, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। हम जानते हैं कि मेल और फीमेल कॉकरोचेस जो है वो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोड्स, ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल हैं, बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल फीमेल को बाहर से देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि मेल कॉकरोच में एनल या कॉडल स्टाइल होता है, सो एनल स्टाइल इन मेल। ये क्या है, सरकाई, ये फोनो रिसेप्टर्स है, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स एंड नॉट इन फीमेल कॉकरोच। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग इज, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं स्टूडेंट, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, मेलाटोनिन एंड T3, T4, क्योंकि ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड से ही बन रहे हैं। ये अलग बात है कि इनमें
65% आयोडीन बी है, यानी ऑप्शंस में 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी होगा तो वो ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखें, इंसुलिन इट्स अ पॉलीपेप्टाइड, एपिनेफ्रिन यस, ईस्ट्राडायोल नो, ईस्ट्राडायोल इज स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो स्टेरॉइड, ग्लूकेगॉन इज ऑल्सो पॉलीपेप्टाइड, सो द आंसर इज बी, एपिनेफ्रिन विच इज अदर नेम फॉर एड्रेनलिन, दिस इज अ अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ निसल्स ग्रैन्यूल्स आर, कहाँ पढ़े निसल ग्रैन्यूल, कौन से चैप्टर में, टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में। ये सपोज एक न्यूरॉन है, ये एग्जॉन है उसका, ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पढ़े थे हमने, जिन्हें हमने निसल्स ग्रैन्यूल्स कहा था, और हमने पढ़ा था कि ये एग्जॉन में एब्सेंट होते हैं और एग्जॉन हिलॉक इस पार्ट में भी एब्सेंट होते हैं। ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स बनाएंगे। सो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स इन मैच्योर मसल सेल्स, नो। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ न्यूरॉन्स, यस। ग्रैन्यूल्स इन नर्व एग्जॉन्स, नो, एग्जॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, आंसर इज ओनली बी। यहाँ पर ऐसा है, बोथ क्या लिख रहे हैं ये 1 और 3, यानी ए एंड सी, ये रॉन्ग है। ना तो ये नर्व एग्जॉन में मिलते हैं ना मसल सेल में मिलते हैं, ये तो न्यूरॉन्स की, नर्व सेल की बॉडी एंड डेंड्राइट्स पर पाए जाते हैं। आंसर इज बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स राइबोसोम्स तीन तरह से मिल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में, या तो एटीएस जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे, या ER के साथ जुड़े हुए जब वो RER बना लेंगे, या mRNA की चेन पर अटैच्ड। इस तरह के चेन ऑफ mRNA पर खूब सारे जब राइबोसोम्स जुड़े होते हैं उसे ही पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। आइए, सो इट इज सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA, दिस इज पॉलीराइबोसोम। नाउ इन मैमल्स द टीथ आर different types, we know, embedded in cup-like sockets, धसे हुए हैं, yes, only two sets present. These conditions are referred as respectively. Different types मतलब heterodont, ठीक है, तो हमें अब A और D में से देखना है, B और C को हम देखेंगे ही नहीं, और जो embedded होते हैं उसे thecodont बोलते हैं, तो अब हमारे को कुछ भी नहीं देखना, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, A आंसर हो गया। Diphyodont मतलब दो बार teeth आते हैं, एक temporary teeth या deciduous teeth, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं हम, और एक हमने पढ़ा था परमानेंट टीथ, राइट। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला 2, 1, 2, 3, दिस इज इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार, और टेम्पररी टीथ होते हैं 2, 1, 0, 2। ये सारे तो दो बार आएंगे, एक बार कौन कौन से आएंगे, मोनोफायोडॉन टीथ कौन से हैं ह्यूमन में, दोनों प्रीमोलार, वो एक ही बार आ रहे हैं, अभी नहीं थे अब एक ही बार आ रहे हैं, और थर्ड मोलार, ये क्या थे, मोनोफायडॉन, एक ही बार आएंगे, बाकी ये सब एक बार गिरेंगे और फिर दोबारा आएंगे, डायफायडॉन आंसर। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वी नो स्टूडेंट्स जो ओपिएट नारकोटिक्स होते हैं वो पेन किलर्स एनाल्जेसिक्स की तरह यूज होते हैं, और वो पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम नाम का जो प्लांट है, फेरम जिसे हम पॉपी प्लांट बोलते हैं, उसके अनराइपन फ्रूट से कुछ रेजिनस एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कॉडीन होता है जो कफ सिरप्स में रहता है, देन मॉर्फिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्पेशली सर्जरी के बाद दिया जाता है पेन किलर की तरह, और इसी में हमने पढ़ा था हीरोइन, हीरोइन जो होता है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है, डाई एसिटाइलेशन, यानी दो एसिटाइल ग्रुप मॉर्फिन में जोड़कर फिर कॉट हीरोइन बनता है जो कि ड्रग की तरह यूज होता है, राइट। वी स्टडीड ऑल दिस, सो मॉर्फिन कहां से मिल रहा है, फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ ओपियम, ऑलराइट, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ पेन किलर आफ्टर सर्जरी, आंसर इज ए। लेट्स सी द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मैटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, अभी अभी हमने देखा स्पर्मैटिड से जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है उसे स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मैटिलियोसिस कहते हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर करना है, ट्रैवल करना है, इसकी टेल बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, हम एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे,
कोई डिविजन नहीं हो रहा है, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस. कौन सा आंसर है इसमें? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट? सो द आंसर इज सी. ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये टोटल प्रोसेस को कहते हैं, बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. सी, हैंड ऑफ मैन, विंग ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ सील रिप्रेजेंट्स. हैंड्स ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, राइट, एंड फ्लिपर ऑफ सील. अब ये तीनों ही मैमल्स हैं तो ओरिजिन सेम है बट फंक्शन इनके डिफरेंट है. हैंड्स अलग हैं, विंग्स उड़ने के काम आ रहे हैं और सील के फ्लिपर स्विमिंग के काम आ रहे हैं. सो ये तीनों कैसे हैं? सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस ऑर्गन्स. द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर डिफरेंट है यानी ओरिजिन डिफरेंट है बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स की. सो ये इन दो में से कोई ऑप्शन होगा. और एनालॉगस का मतलब ही है कि ओरिजिन अलग अलग होगा बट अब वो सेम हैबिटेट के कारण सेम फीचर्स शो कर रहे हैं, यानी कन्वर्जेंट. होमोलोगस में ओरिजिन सेम था बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं तो डाइवर्जेंट होता है. सो एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट, दिस वुड बी द आंसर डी. एनालॉगस एंड एनालॉगस हमेशा कन्वर्जेंट शो करता है, होमोलोगस डाइवर्जेंट होता है, कॉमन एंसेस्ट्री को डिनोट करता है. इलेक्ट्रोफाइल इन राइमर-टाइमन रिएक्शन. सो राइमर-टाइमन रिएक्शन के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं. सो राइमर-टाइमन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 एंड KOH. सो द रिएजेंट विच इज यूज इज बेस विद CHCl3. सो इट फॉर्म्स H2O एंड Cl- एंड डाइक्लोरोकार्बीन. So this is the electrophile which is required and the correct answer is इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है. So इस question का answer जो दे रखा है that is 3. Electrophile in Riemann-Tiemann reaction is, that is wrong answer. ये question थोड़ा गलत हो गया. Benzene तो nucleophile है, dichlorocarbene is the electrophile. ये जाकर के add हो जाता है और फिर यहाँ से H+ substitute हो जाता है. सो एनीवे इस क्वेश्चन को आप ठीक करें और आंसर 2 इसका डालें और इसको CCl2 कर लें, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन. सो 20 का आंसर तो दे रखा है 3, उसको बिल्कुल ही गलत कर दें, क्रॉस कर दें. बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है. सेकेंड आंसर कर लें और CH2 की जगह CCl2 कर लीजिए, ठीक है. ऑक्सलिक एसिड्स जो होते हैं दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से शो करते हैं. इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर एज बॉन्डिंग, ठीक है. सो इस इंटरमॉलिकुलर एज बॉन्डिंग से क्या होगा, ये आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए दे हैव हायर boiling point than aldehydes and ketones and alcohols also. ठीक है, तो aldehydes, ketones and also alcohols of similar molecular mass. एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल में तो एज बॉन्डिंग हो सकती है मगर इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग है क्योंकि एक मॉलिक्यूल के दोनों एंड्स, ठीक है, ओ बी और ओ एच बी दोनों एज बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं. तो अल्कोहल की कंपैरिजन में भी जो एज बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट इज स्ट्रॉन्गर. और अगर अपन एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन में तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही होता है बिकॉज यहाँ तो सिंपल पोलैरिटी रहती है. तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कंपेरेबल मॉलिकुलर मास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है. दूसरे मैं आपको बता दूं, अल्कोहल भी ये टेस्ट शो कर सकते हैं लेकिन कौन से अल्कोहल ये टेस्ट शो कर सकते हैं जिनमें इस तरीके से टू पोजिशन पर क्या हो, OH हो
और एक मिथाइल जुड़ा हुआ हो, या मैं ये बोलूंगा कि जैसे अपन ने हैलोजन लिया, मान लो आयोडीन ही लिया, तो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है अल्कोहल और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और आयोडीन जीरो से माइनस वन में रिड्यूस हो जाता है। तो जो अल्कोहल है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और मिथाइल कीटो ग्रुप आ जाएगा, और एक बार मिथाइल कीटो ग्रुप आ जाएगा तो फिर ये रिएक्शन शो कर सकता है और ये आयडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जैसे मान लो ये दिया जाए, तब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OPH और ये आयडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। या मान लो कि कभी ऐसा कोई अल्कोहल दिया जाए तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर आ जाएगा मिथाइल कीटो ग्रुप और ये भी आयडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एल्डिहाइड कीटोन जिनमें मिथाइल कीटो है वो शो कर सकते हैं और अल्कोहल शो कर सकते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो ग्रुप बन जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी शो कर सकते हैं, जैसे आप बोलोगे सर इसमें तो ना अल्कोहल है ना एल्डिहाइड कीटोन है, बट जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हैलोजन और बेस। जब आप बेस से रिएक्शन कराओगे तो SN2 हो जाएगी और SN2 हो जाएगी तो Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मिथाइल कीटो बन जाएगा और फिर हम इस पर आगे आयडोफॉर्म रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर अगर I2 और OH- की रिएक्शन आगे होती है तो हमने डिस्कस किया था कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में और CHI। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिन पे SN2 करा के पहले हम अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी एक क्वेश्चन दिया जाए तो अब आपसे पूछा जाए क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, तो यस ऑफ कोर्स इट विल शो हेलोफॉर्म टेस्ट। कैसे शो करेगा, देखो यहां पर जो OH माइनस होगा वो क्या होगा, पहले OTS को सब्स्टिट्यूट करके ये बना लेगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फर्दर, यहां बना लेगा मिथाइल कीटो और फिर इसका आयडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 54, लेफ्ट टू राइट sp2 sp2 sp एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, ठीक है। तो आपको बताना है, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसका आंसर ए करेक्ट है 54 का, ये sp2 ये sp2 ये sp ये sp, ठीक है। तो 54 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ सारे कैटायन है, कैटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, जो प्लस एम शो करता है, ठीक है। तो प्लस एम कौन शो कर पाएगा, यहाँ पर देखो ये कैटायन यहाँ आ जाएगा रेजोनेंस करके, हाईली स्टेबल कैटायन बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला सबसे स्टेबल हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट में भी एक कैटायन यहां आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग होगी, तो फोर्थ सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट। अब अगर अपन सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करें तो जो कैटायन है वो रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, इसमें भी यहां आ जाएगा, तो यहां कैटायन को कोई बैक बॉन्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, इनफैक्ट माइनस आई ही लगेगा। माइनस आई ज्यादा किसका है, OCH3 का, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो माइनस आई अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सेकेंड की कम हो जाएगी थर्ड से। सो दिस शुड बी द आंसर 4132, ठीक है, 4132, और 56 क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर शुड बी करेक्ट आंसर। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट, ये भी मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ है, ठीक है। और 19 क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें एफ का, फिर OR का, फिर NR2 का, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 1, NR3 प्लस का ज्यादा होता है, NR2 का कम होगा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर O की, फिर N की, और इसीलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन का 1 आंसर आ जाएगा। क्यूमीन की रिएक्शन, एक्चुअली क्यूमीन किस लिए यूज किया जाता है, क्यूमीन इज यूज टू प्रिपेयर फिनॉल, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड है, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसको पहले ऑक्सीडाइज करके
क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड बनाते हैं, इन ऑर्डर टू सी इट इन डिटेल प्लीज रेफर द लेक्चर, ठीक है, लेक्चर्स आप दोबारा देखें। से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो फिनॉल और एक एसीटोन, ठीक है। तो फिनॉल एंड एसीटोन 25th क्वेश्चन का 3 आंसर करेक्ट हो। हमारे पास एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, और ये जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है इसमें एक NH2 है और एक COH है, इस तरह से। तो ये आपस में रिएक्शन शो करके इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं और केटायन एनायन दोनों यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉन एज DI, ऑल्सो नॉन एज डायपोलर आयन, ऑल्सो नॉन एज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ये इसकी खास बात है। सो डायपोलर आयन और ज्विटर आयन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। सो इथाइल अल्कोहल से हमें बनाना है इथाइल क्लोराइड, तो हम A से बना सकते हैं, ठीक है, लुकास रिएजेंट, PCl5 से भी बना सकते हैं, SOCl2 दैट इज डार्जेंस प्रोसेस, इससे भी बना सकते हैं, बट हम ये रिएक्शन CCl4 लेकर के हम नहीं करा सकते, CCl4 इज इनर्ट सॉल्वेंट, तो उससे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। HClZnCl2 दैट इज लुकास रिएजेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, SOCl2 दैट इज डार्जेंस प्रोसेस, और PCl5 केक कटिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस इथॉक्सी इथेन इज प्रिपेयर्ड। सो इथॉक्सी इथेन को बनाने के लिए सोडियम इथॉक्साइड ले लेंगे और इथाइल क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, और इससे बन जाएगा आंसर करेक्ट 3, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 100 का 3 आंसर आ जाएगा। हो सकता है एक ही रिएक्शन हम डिस्कस कर पाए, दैट इज वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन इज अ मेथड टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड ये लिए जा सकते हैं और इसके बेसिस पर हम अल्केन बना सकते हैं, Rr+2NaCl। सो इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो यूज कर रहे हैं हम सोडियम, सोडियम आप जानते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो ये बना लेता है Na+ विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है, दूसरे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज और बाकी लोगों को क्या कर देगा रिड्यूस, ठीक है। तो सोडियम क्या होगा, सोडियम का रोल यही है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसमें क्या यूज करते हैं हम, ड्राई इथर। व्हाई ड्राई इथर, इसमें वाटर होना नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, सोडियम पानी में भी आग लगा देता है, ठीक है, अन्नू मलिक है ये, तो सोडियम क्या है पानी में भी आग लगा देता है, आग लगा देंगे। तो सोडियम क्या होगा, H2O से रिएक्शन करके NaOH बना लेता है और H2 गैस रिलीज करता है, तो पानी में आग लगा देता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए क्या होगा बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और H2 गैस ये छोड़ता है, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम को हम क्या करते हैं, ड्राई इथर में लेते हैं, क्योंकि इथर के साथ सोडियम की रिएक्शन नहीं होती है, मतलब इथर इसमें क्या है, जनरली जो इथर हम लेते हैं ये क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट है, क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, इथर इज इनर्ट सॉल्वेंट, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। अब सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो कार्बन और क्लोरीन मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है, डेल्टा माइनस डेवलप हो रहा है और कार्बन पर डेवलप हो रहा है डेल्टा प्लस, तो ये तो चीटिंग है, कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्लोरीन ने गेन कर लिए, तो कार्बन कब तक सहन करता रहेगा, जब तक है जान नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते हैं इसके पास, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन पर आएंगे ये छोड़ देगा क्लोरीन को, दोस्ती तोड़ देगा, और फिर क्लोरीन तो क्या होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से बाहर हो जाएगा और R जो होगा इलेक्ट्रॉन
गेन करके रेडिकल बना लेगा। अगर मान लीजिए कि ये Cl- चला जाता तो यहाँ पे प्लस आता, केटायन आता, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में यहाँ पे रेडिकल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे Cl- दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, इनको कहा जाता है लीविंग ग्रुप, ठीक है। Lg जो साथ छोड़ देते हैं वो क्या होते हैं, लीविंग ग्रुप। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 में, ठीक है। बट ये लिविंग ग्रुप्स हैं, और लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे लेकर के भाग जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बैलेंसिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, जानबूझ के मैंने लिखे, तो दो RCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, दो Cl- और दो R-, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब जो R- है ये रेडिकल है, और रेडिकल जो हो गए, मैंने आपको बताया कि इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की, और कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, RR कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन करके रेडिकल बने, और थर्ड स्टेप रेडिकल कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, अल्केन बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि अगर यहां पर टर्शरी होता तो क्या हो जाता, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता। तो इसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, अल्केन तो बनेगा, मगर कौन सा अल्केन बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है, विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे। तो अल्केन तो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि सिमेट्रिकल बन रहा है। देखो, अगर R में ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी होंगे तो दूसरे R में भी ऑड होंगे, तो मिलके क्या बन जाएंगे, इवन, इसलिए सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, R ग्रुप शुड बी, या दूसरी बात यह है कि जैसे हमने लिया R तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन, ठीक है। तो RBR, RCl एंड RF, ठीक है। जैसे मैंने लिया है यहां पे CH3I, तो ये है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप। तो यहां पर अगर हम रेट को कंपेयर करें तो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी RI, फिर RBR, फिर RCl, RF तो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, ठीक है। RF की तो रिएक्शन होगी भी नहीं, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ठीक है, वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये रेट का ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज R शुड बी 1 degree फॉर बेस्ट yield। तो yield सबसे अच्छी कब होगी, जब R 1 degree होगा, समझ में आया, क्योंकि R मान लो टर्शरी हो गया, तो फिर इसमें एक अल्केन और एक अल्कीन बन जाएगा, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो 1 degree होना चाहिए, क्योंकि 1 degree सपोर्ट कॉम्बिनेशन। 3 degree में तो मेजर डिस्प्रोपोर्शनेशन बनता है, लेकिन 2 degree में क्या होता है, 2 degree में दोनों होते हैं, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 1 degree, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता ही दिया, फोर्थ पॉइंट, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, बिकॉज ईथर्स आर इनर्ट सॉल्वेंट, और ड्राई कंडीशन में रिएक्शन करानी पड़ेगी, क्योंकि सोडियम कैन रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। सो इसीलिए ये ड्राई कंडीशन में ही कराई जाती है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज आप इनको देख लीजिए एक बार और कॉपी कर लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमने यहां पर अल्काइल क्लोराइड लिया, RR बना लिया, अल्केन बना लिया बाय कॉम्बिनेशन, सोडियम का रोल है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, ड्राई इधर हम लेते हैं, वाटर होना नहीं चाहिए, R ग्रुप प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्या बात है, इसमें तो हम ऑड नंबर वाला बना सकते हैं। अब ऑड नंबर वाला बनाने के लिए क्या किया जाए, ऑड नंबर वाला बनाने के लिए आप ऐसा करें कि दो टाइप के अल्काइल क्लोराइड ले लें,
और ये एक तो आपने जैसे मिथाइल ले लिया, एक इथाइल ले लिया और रिएक्शन करा दें, कंडीशन आपको पता ही है ड्राई इथर, तो आपको जो है प्रोपेन मिल जाएगा, ऑड नंबर वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? एक्चुअली क्या है, जब अपन रिएक्शन को कराएंगे तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये तो बना लेगा रेडिकल, ठीक है, इथाइल क्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा रेडिकल। अब ये एक अकेले रेडिकल थोड़े, एक रेडिकल ही आपस में जुड़ जाए, मान लो एक मोल भी है तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 10^23, ये भी 10^23, तो क्या होगा, इतनी बड़ी संख्या में रेडिकल्स होंगे तो कोई इनको समझाने वाला है कि भाई आपस में कंबाइन मत करना, दूसरे से ही करना? नोबडी। तो क्या होगा, CH3 डॉट के सामने अपने जैसा कोई रेडिकल आएगा तो भी वो कंबाइन करेगा, ठीक है, CH3 CH2 डॉट के सामने दूसरा रेडिकल आएगा तो भी ये कंबाइन करेगा, और आपस में भी कंबाइन करेंगे अगर क्रॉस आ गए, ठीक है, पराय रेडिकल आ गए तब भी कंबाइन करेंगे। तो इट्स अ बिग चैलेंज, मतलब हमारे पास जो रिएक्शन कराई हमने उसमें हमको एक प्रोडक्ट नहीं मिला, तीन तीन मिल गए। मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई ग्रुप लिया R1Cl और दूसरा ग्रुप लिया R2Cl और रिएक्शन आपने कराई सोडियम और ईथर के साथ, तो आपको एक तो मिल गया R1R1, एक मिल गया R2R2 और एक मिल गया R1R2। अब इनको सेपरेट करना अपने आप में बड़ा चैलेंज, इतना खर्चा हो जाएगा इनको अलग अलग करने में, इससे तो मार्केट में गए जाके प्रोपेन खरीद के ले आए। तो ये इसलिए बेटर मेथड नहीं है, क्योंकि हम अगर बनाना चाहते हैं ऑड नंबर वाला मॉलिक्यूल तो दो टाइप के अल्काइल क्लोराइड लेंगे और ऐसे में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। सो ऐसी केस में वी विल ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो ये आंसर मैं स्टूडेंट्स को देता हूं कि भाई प्रोपेन भी बनेगा वो तो बनेगा ही, ब्यूटेन भी बनेगा वो भी बनेगा और इथेन भी बनेगा, अब करते रहो इनको सेपरेट, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये। इसलिए इस मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब हमें सिमेट्रिकल अल्केन बनाने होते हैं दोनों तरफ सेम ग्रुप, और वो भी ज्यादा यील्ड में तब बनते हैं जब 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री में भी बन जाता है, 3 डिग्री में भी कहने को तो बन जाता है, लेकिन यील्ड कम हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन होने लगता है रेडिकल्स का, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। ऐसे NCERT में तो दिया है, टर्शरी दे दिया आर ग्रुप और बना दिया कंबाइन कर दिया, मैं मानता हूं कि वो प्रोडक्ट तो बनेगा क्योंकि सिमेट्रिकल तो है ही, लेकिन फिर कॉम्पिटिशन होगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट यील्ड इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन आर ग्रुप इज 1 डिग्री। ओके, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, इसमें देखें हम, ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें देखें सबसे पहले रिएक्शन जब होगी तो यहां पर Me आ जाएगा, दिस इज P, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर Br आ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पर भी आ सकता है और पैरा पर भी आ सकता है, ठीक है, दिस इज Q, इसको मैं मेजर मान लेता हूं। फिर इसकी EtBr के साथ रिएक्शन अगर करा देते हैं, ठीक है, तो दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन, EtBr इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और यहां पर ET आ जाएगा, यहां Me आ जाएगा, ठीक है, और ये बन गया R। इसके बाद HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन होगा, तो HNO3 और H2SO4 के साथ अटैकिंग पार्टिकल रहेगा NO2+, और ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3α H है, तो Me की ऑर्थो पोजीशन पर NO2 को लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जैसे कि मैंने बना भी दिया पूरा, सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 100 का 3 आंसर आएगा। क्रॉस लिंक्ड 3D पॉलीमर्स, तो इनमें पहला है बेकेलाइट,
बैकेलाइट जो पॉलीमर है इट इज फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये चीज अपन ने पढ़ी भी थी कि पहले रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH2OH आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो पर और पैरा पर CH2OH आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। और क्या होगा फिर, ये ऐसे जो ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट CH2OH है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। तो यहाँ पर कैटायन बन जाए प्रोटोनेशन के बाद, ये कैटायन फ्रीडल क्राफ्ट की तरह यहाँ जुड़ जाए, फिर सिमिलरली यहाँ पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से लीनियर पॉलीमर में पहले कन्वर्ट होगा। और इस लीनियर पॉलीमर को कहा जाता है नोवोलैक, नोवोलैक, ठीक है। बट इस तरीके का जो लीनियर पॉलीमर होगा इसमें पैरा पोजीशन खाली पड़ी हुई है, तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर CH2OH आ गया पैरा पोजीशन पर, फिर से प्रोटोनेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, कैटायन बना और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ शो कर जाए। तो इस तरीके से क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगे इनमें। तो जो पॉलीमेरिक चेन्स है इस तरीके की है और इनकी पैरा पोजीशन से क्रॉस लिंकेजेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेकेलाइट, इट इज ए थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, ठीक है, थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, इसको कहा जाता है बेकेलाइट, ओके। सो बेकेलाइट इज बेसिकली ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज ए को पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, द लीनियर पॉलीमर इज नॉन एज नोवोलैक एंड द क्रॉस लिंक पॉलीमर और 3D पॉलीमर इज नॉन एज बेकेलाइट। तो क्या बोलते हैं थैलिक एसिड। अब जो थैलिक एसिड है ये दोबारा रिसाइकल हो सकता है, इट कैन बी रीयूज्ड। तो थैलिक एसिड को अगर आप अमोनिया से बहुत स्ट्रॉन्गली हीट करते हो, बहुत स्ट्रॉन्गली हीट करते हो तो ये बना लेगा अमाइट, ठीक है, थैलीमाइट। ठीक है, और दोबारा हमें जो चाहिए रिएक्टेंट वो मिल जाएगा और रिसाइकल हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है कि गैब्रियल थैलीमाइट रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन्स, सेकेंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड बन रहा है और थैलिक एसिड को हम रीयूज कर सकते हैं, अमोनिया से हीट करके दोबारा से थैलीमाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HCOH, ठीक है, इज हीटेड। तो HCOH को जब हीट करते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड और H2O बन जाता है, ठीक है। सो 4 आंसर इज द करेक्ट आंसर। और जो स्टार्च है वो 2 टाइप का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है दैट इज अ लीनियर पॉलीमर, जिसे कि मैंने बनाया है, जो लीनियर पॉलीमर है उसको हम कहते हैं अमाइलोज, और ये होता है ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कह सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो ध्यान रखना। अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी ये भी मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे ये पॉलीमेरिक चेन है, ऐसी कोई और पॉलीमेरिक चेन भी होगी जो इसके क्या होगी क्लोज, और ये किसी और से जुड़ी होगी, यहां पर क्या होगा OH होगा। तो इसका जो 3, 4, 5, 6 नंबर का कार्बन है और इसका जो 1 नंबर का कार्बन है ये एस्टर ईथर लिंकेज बना लेते हैं इस तरह से, और फिर ये चेन चलती रहती है। तो ऐसे 2 चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग अगर हो जाती है इसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और अगर ये क्रॉस लिंकिंग नहीं है, स्ट्रेट पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, तो उसे अमाइलोज कहते हैं।
15, which of the following is the function of potassium? इसमें से potassium के कौन कौन से function है? Cation and ion balance, आपको याद है ना, sodium potassium pump होता है, तो इसमें ये help करता है. Involvement in protein synthesis, protein synthesis में भी कुछ enzymes को activate करता है, ठीक है? Then एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, तो वही एंजाइम्स का रोल आ गया. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, गार्ड सेल से पानी अंदर भरता है तो टर्जिड हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है. तो ये मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, तो ये तो सारे ठीक हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. चीफ प्रोड्यूसर्स, ये बार बार आ रहा है, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? डाई एटम्स, ठीक है. पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम्स आपको पता है क्या होता है, एक mRNA का स्ट्रैंड होता है जिस पर चार या चार से ज्यादा राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं. और ये क्यों होता है ऐसा? ताकि एक ही प्रोटीन्स की, एक ही पॉलीपेप्टाइड्स की मल्टीपल कॉपीज बना सकें. तो इसमें राइबोसोम्स अटैच टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, खाली राइबोसोम से चिपके हुए एक साथ नहीं रह सकते. सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, ये ठीक लग रहा है. देन मैनी राइबोसोम्स अटैच टू अ स्ट्रैंड ऑफ ER, नहीं. और अ राइबोसोम विद सेवरल सबयूनिट, नहीं. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2? XC2 कंजर्वेशन का मतलब होता है प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, प्लांट्स या एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर मैन मेड हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट करना. तो नेशनल पार्क इन C2 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन C2 है, सीड बैंक ह्यूमन से करते हैं और सीक्रेट ग्रुप्स भी इन C2 है. तो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन.